तो नहीं बजाई। बाबा ने कहा कृपा वहीं रुकी हुई है। देखो हम लोग तो ज्ञान नहीं दे सकते हैं आपको। तब पढ़ता हूं राहुल गांधी की व्यथा बताता हूं कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया, राहुल जी करवटे बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा कु। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि प्रभु जी किसी को यह स्यापा न देना, प्रभु जी किसी को यह स्यापा न देना कि अंडी तिवारी सा पापा न देना, प्रभु जी किसी को यह स्यापा न देना कि अंडी तिवारी सा पापा न देना, जवानी न दे देना राहुल के जैसी और अडवानी जैसा बुढ़ापा न देना। मुश्किल वहां भी है। तिवारी जी का वो पिछले दिनों टेस्ट हुआ था, वो कौन सा था सारे बुजुर्ग जानते हैं, सावधान हो गए। वो डीएनए टेस्ट लिया जा रहा, उनका ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें। जब तिवारी जी का ब्लड सैंपल लिया जा रहा तो चार पंक्तियां मेरे जहन में आई कि इस समय तिवारी जी क्या सोच रहे होंगे। घटनाओं से, खबरों से, कविता और हास्य निकालने की कला मैं आपको बताता हूं। उस समय तिवारी जी क्या सोच रहे होंगे मैं बताता हूं कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना दो, यही कह रहे हो कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना दो, पहले सी मेरी शाम को नूरानी बना दो, सुन करके अदालत का हुक्म बोले तिवारी, भगवान मेरे खून को अब पानी बना दो, भगवान मेरे यही सोचा होगा कि भगवान पानी कर दो, आज कुछ ना निकले। लेकिन मैं सोच रहा कि अगर दो चार कैंडिडेट और निकल आए कि हम भी तिवारी जी के ही हैं, तो इस बुढ़ापे में सारा खून तो सैंपल सैंपल में ही खत्म हो जाए। वो एक शेर था कि मजनू सुल्तानपुरी का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसमें अगली लाइन तिवारी जी ने अपनी घुसेड़ दी कि मैं भी अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर डीएनए टेस्ट होते गए, परिवार बढ़ता गया। यह स्थितियां होती हैं। हर घटना से हास्य निकल सकता है। रावण को कोर्ट जाना पड़ा तो जज ने कहा गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। रावण ने कान पकड़ लिए, बोला मी लॉर्ड जिंदगी में एक बार सीता पर हाथ रखा था, पूरा खानदान खत्म हो गया, अब मैं किसी गीता वीता पे हाथ रखने वाला नहीं। ऐसी घटनाओं का मैं एक गीत सुनाता हूं आपको। लंबी थीम है और समय की सीमाएं हैं, मैं गीत पढ़ता हूं, कितने लोग सुनना चाहते हैं मुझे बताते चले। मैं गीत पढ़ता हूं, बस गीत के साथ आप सब रहे, नए नए बंद मैंने उसमें जोड़े हैं, आप आनंद लें। कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, ऐसे मत सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो रही। कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ रहे हैं। कि देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। देखो ऐसे सुनना है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहो वैसे सुनो, बैठो लेट के सुनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कि देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। और बिल्कुल ताजा कि नीतीश राहुल माया लालू सब बनते थे हीरो। ताजगी लगे आपको तो फिर तालियों में भी ताजगी दिखनी चाहिए। कि नीतीश लालू माया मोद नीतीश राहुल माया लालू सब बनते थे हीरो, ऐसा कमल खिला कि देखो हो गए सारे जीरो, मोदी पड़ गए सब पर भारी ओ जा, ऐसा कमल फिला की सारे हो गए देखो जीरो, मोदी पड़ गए सब पर भारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, लालटेन की बत्ती बुझ गई हाथी स्वर्ग सिधारा। कि लालटेन की बत्ती बुझ गई हाथी स्वर्ग सिधारा, तीर और झाड़ू दोनों को पटक पटक कर मारा, पासवान से कर ली यारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी, जो लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं।
कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। अब बजाइए भाई साहब ने हाथ उठा के, कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी, पीटो शर्मा और तिवारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। भाई वो लुक्कड़ साहब तो चले गए, राजा साहब भी नहीं है, अब तो ये खंडेलवाल जी बच्चे, इनकी हालत ऐसी लग नहीं रही कि ये देंगे। मैं दोबारा पढ़ता हूं कि सब कवियों की इच्छा, शायद पेमेंट हो जाए, कि सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए, कवि से कर दे हमें भिखारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। कई लोग बीच बीच में उठ के चले गए, बहुत सारे। अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, कोई सुनकर जाने की हिम्मत कर सके तो मैं उसकी हिम्मत भी देखना चाहता हूं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। कोई जाना चाह रहा है? एक बार तालियां बजा दें पूरे उत्सव के लिए कि आपके छोटे से गांव में जिस तरह से इस बड़े मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया गया है, और खंडेलवाल जी और पूरी टीम ने, लक्कड़ साहब ने जो आयोजन किया है, ये निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण आयोजन। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये बीजेपी वाले जीजा से हमसे जलते हैं, जहां मैं चोट कर रहा हूं वहां आपका ध्यान चाहता हूं, कि ये बीजेपी वाले जीजा से हमसे जलते हैं, राहुल बोले मम्मी हम नानी के घर चलते हैं, बुझ गई। ये भी तालियां बहुत कमजोर बजाते हैं आप, इस लायक है नहीं कि मैं आपको पूरी कविता सुनाऊं। बढ़िया बढ़िया। मैं दोबारा पढ़ता हूं कि ये बीजेपी वाले जीजा से हमसे जलते हैं, राहुल बोले मम्मी हम नानी के घर चलते हैं, बुझ गई है अपनी सरदारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी खटिया कड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। और इस प्राण प्रतिष्ठा मंच पर बोलता हूं, आपके लिए कहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की मन हरि गुण गाएगा, प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की मन हरि गुण गाएगा, हाथ उठाकर जो मांगोगे वो सब मिल जाएगा, शुभ दिन की है महिमा न्यारी योजा। आज का दिन ऐसा है कि जो भी आप हाथ उठा के मांगेंगे प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। मैं दोबारा पढ़ फिर से पढ़ो, बहुत बढ़िया, और आपके हाथ भी उठते हुए देखना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की मन हरि गुण गाएगा, हाथ उठाकर जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा, शुभ दिन की है महिमा न्यारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना। और राजस्थानियों का जो शौर्य है, जो राजस्थानियों का संकल्प है, जो मेहनत है, उसके नाम में बंद पढ़ता हूं कि रेगिस्तान के होकर सारी धरती कर दी धानी, कि रेगिस्तान के होकर सारी धरती कर दी धानी, दुनिया भर से सबसे आगे निकले राजस्थानी, अपने लिए बजा दो तारी। हम लोग सारी दुनिया में जाते हैं संपत भाई, बहुत सारे देशों में, यहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां राजस्थानियों की गौरव गाथा न लिखी हो, जहां उनके फैलाए हुए व्यापार से हजारों लाखों लोगों के पेट न भरते हों। मैं उस राजस्थान की माटी को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेहनत से अपने इतिहास खुद लिखे हैं। क्या बात। और मैं आगे पढ़ता हूं कि लक्कड़ जी के घर बरसेगी लक्ष्मी जी की माया, जिसने इतना बड़ा काम किया वो चले गए, शायद ये शब्द उन तक पहुंच जाए। लक्कड़ जी कि लक्कड़ 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 जी, देखो मैं ये देखना चाह रहा था कि कविता के भ्रम में आप कहीं नाम तो नहीं भूल गए। इन्होंने बताया कि नहीं, वो लुक्कड़ जी पता मुझे भी है, ऐसा थोड़ी है कि मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी, पता है। मैं देखना चाह रहा था कि ये बाबू दिनेश जी,
नाम इनका तो दिनेश जी है लेकिन लुक्कड़ जी के घर बरसेगी लक्ष्मी जी की माया, लक्ष्मी पाकर लक्ष्मी पति का है मंदिर बनवाया, विष्णु जी के बने पुजारी यो जमाना। लक्ष्मी पाकर लक्ष्मी पति का है मंदिर बनवाया, विष्णु जी के बने पुजारी यो जमाना। बदला जाए देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना, बदला जाए। 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले। लगी बुरा वो अमृता राय इस उम्र में जो पाई है उन्होंने, हाँ। वो राहुल गांधी एक दिन पीछे 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 बोले अंकल मुझे आपकी राय चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा वो तो मुश्किल में मैंने पटाई है, तेरे को कैसे दे दूं भाई, तेरी तो आंटी लगती। समर्थन है, आप उल्लास में बैठो थोड़ा, मुझे भी ऊर्जा मिलनी चाहिए आपकी तरफ। हाँ खंडेलवाल जी, कि 45 के होकर राहुल तालियां और घनघोर मन से, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले। लगी बुढ़ापे में बीमारी यो जमाना, बदला जाए देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना। अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए। कई लोग इतने प्रसन्न हो गए जैसे उनका चरित्र चित्रण चालू हो गया। सच में शशिकांत बता रहे, जब तक घर नहीं जाता पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, ऐसी पत्नियां कहां मिलती हैं। बोले ऐसी बात नहीं है, जाता हूं बनाता हूं तब खाती। घर घर की कहानी यही है। वो एक लड़की की नौकरी, महिला की वो नौकरी लग गई कहीं हैदराबाद। वो वहां गई तो उसने SMS, बड़ा खतरनाक होता है। वो महिला हैदराबाद गई, ज्वाइन किया और उसने सोचा भाई पति को मैसेज कर दूं SMS, तो उसने मैसेज किया। वो गलती से उसके पास पहुंच गया जो अपनी बीबी को फूंक फांक के शमशान घाट से घर लौट रहा था। उसके मोबाइल पे गलती से पहुंच गया मैसेज, देखते ही वो बेहोश। मैसेज में था मैं यहां सकुशल पहुंच गई हूं, रहने का इंतजाम बहुत बढ़िया है, एक दो दिन में आपको भी अपने पास बुला लूंगी। मैसेज कई बार गड़बड़ करते हैं। तब मुझे एक शेर याद आता है कि ये शादी नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी है। कि अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए, अगर मोनिका मिल जाए तो सब क्लिंटन बन जाए, लेकिन मिलती नहीं बेचारी यो जमाना। बदला जाए देखो कुर्सी। अभी पाकिस्तान वहां सीमा पर हमारे दो सैनिकों के शीश काट के ले गए, आपको पता होगा। शशिकांत बैठे हैं, पवार जी हमारे हैं यहां मंच पर आज। क्यों ले गया होगा वो शीश काट के, मैं एक बात आपसे कहता हूं, अच्छी लगे तो आप, मैं उस धारा पर आता हूं। शायद इसलिए काट के ले गए होंगे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सैनिकों के शीश, कि वो दिखाना चाहते होंगे कि हिंदुस्तानियों के सर में ऐसा क्या भरा है जो कटना पसंद करता है, झुकना पसंद नहीं करता। उस शौर्य के नाम राजस्थान ने जो अपने शीश दिए हैं सीमाओं पर, मैं उसके नाम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। समर्थन करें आतंकवाद के खिलाफ पढ़ता हूं, तो एक भी व्यक्ति के हाथ नीचे ना हो, मैं आपका भरपूर समर्थन चाहता हूं। आपके हाथ उठे मैं पढ़ता हूं। अफ जलाओ कसाब जैसी सबकी कुंडी खटका दो, और ये करने की जरूरत, आपका हाथ अगर नीचे रह गए तो वो काम नहीं हो पाएगा। कि अफ जलाओ कसाब जैसी सबकी कुंडी खटका दो, जो आतंकी बंद पड़े हैं उन सबको लटका दो, भारत माता है। एक बार समर्थन करें आप राजस्थान। अफजल और कसाब जैसी सबकी कुंडी खटका दो, जो आतंकी बंद पड़े हैं उन सबको लटका दो, भारत माता है दुखियारी यो जमाना। बदला जाए देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना। बहुत सारे देशों में मैं जाता हूं, जिस मन से आपने इस बड़े पंडाल में, इस छोटी सी गोष्ठी में, माहौल में आपने सुना है कवियों को और सुन रहे, मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं।
कि लंदन देखा पेरिस देखा और देखा अमरीका, लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमरीका, मगर आज निम्बोड़ा के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तारी ओ जमाना बजा hey! अरे वो बेटी वाली पढ़ो, बेटी वाली। मित्र एक कविता विशेष जो इस पांडाल में पढ़ी जानी चाहिए, जब हमारे पहली पंक्ति में इतने आचार्य प्रवर यहाँ पर बैठे हैं और हमारी मातृशक्ति विराजमान है, डॉक्टर सुनील जोगी का एक रूप दूसरा भी है, एक आपने भी देखा जो राजनीति की विसंगतियों पर वो चोट करते हैं लेकिन सामाजिक विसंगतियों को भी बहुत बारीक और पैनी नज़र से देखते हैं। अगर आप उनके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता सुनना चाहते हो तो एक बार जरा तालियां बजाकर उन्हें वातावरण दीजिए कि हम इस धार्मिक इस सामाजिक मंच पर खड़े होकर उस कविता को भी जरूर सुनेंगे, जो कविता बहुत जरूरी है। सच में सुनना चाहते हैं? थोड़ा अलग रस में थोड़ी सी बातें करता हूं, शायद आपको अच्छी लगे। चार पंक्तियां तो ये कहता हूं भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का मंच है, इसलिए यहां से शुरू करता हूं कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है। शायरी पहुंचे, कविता पहुंचे, शब्द पहुंचे तो तमाम धार्मिक लोग हमारे संत प्रवर लोग बैठे हैं, समर्थन चाहता हूं फिर आपका। उसे मालूम है कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है, कहां पर फूल खिलने हैं, कहां वीरान होना है। कमजोर रहेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है, कहां पर फूल खिलने हैं, कहां वीरान होना है, वो इंसान ही नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है, किसे ठोकर में रहना है किसे भगवान होना है। तालियां कमजोर ना हो अच्छी कविता पर। वो इंसान ही नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है, किसे ठोकर में रहना है किसे भगवान होना है। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, आपको अच्छी लगेंगी मेरा दावा। बिल्कुल शायर बड़े अच्छे गीतकार हैं हमारे मित्र। चार पंक्तियां मैं धुन में पढ़ता हूं। स्वागत। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए, मोहल्ले की किसी, अब दावा करता हूं आपके हाथ खुले, कि मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। और चार पंक्तियां कहता हूं, पलायन बहुत होता है देश में गांव से शहर की ओर, कहता हूं कि जो शहरों में बसने की तैयारी करके आए हैं, अम्मा बाबूजी की तबीयत खारी करके आए हैं, सोच रहे होंगे कि हम होशियारी करके आए हैं, वे सब अपने खेतों से गद्दारी करके आए। इतने बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, घर में बरकत कब होती है, कब लोग बड़े बनते हैं, बड़े कवि, बड़े रचनाकार, बड़े उद्योगपति। मैं चार पंक्तियां कहता हूं, इन बुजुर्गों के चरणों में रखता हूं, कि किसी गीता से ना कुरान ज्यादा होती है, किसी गीता से ना कुरान ज्यादा होती है, ना बादशाहों की दौलत ज्यादा होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। वाह, उन बुजुर्गों की दुआएं हमारे सर पर बनी रहे। और कहता हूं, इस मंच पर हूं, पावन मंच पर हूं, तब कहता हूं ध्यान से सुनिएगा, कि इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। वाह 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 वाह। अगर हमारे माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं और हम मंदिर की पूजा करने आए हैं तो फिर हमसे मूर्ख कोई नहीं है। अपने घर की जीवित मूर्तियों की उपेक्षा करके आप संसार में किसी तीर्थ से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी महिलाएं यहां बैठी हैं, मेरे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया, तो चार पंक्तियां मैंने देश की बेटियों के नाम कही। आपके घर आंगन से कविता उठाता हूं, कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटी और बेटे में अंतर क्या है, कि इस धरती पर, एक पंक्ति में अंतर बताता हूं,
कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। हमने उन बेटियों को मारना शुरू कर दिया। यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में जब लाखों भ्रूण हत्याएं होने लग जाए, दामिनी के साथ, गुड़िया के साथ और अभी बदायूं में जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। पत्थर एक बार मंदिर जाता है देवता हो जाता है, हम एक बार मंदिर जाते हैं, हम बार बार रोज मंदिर जाते हैं लेकिन पत्थर के पत्थर बने रहते हैं। क्या संस्कृति विकसित हो रही है? फिश के बच्चे ने फिश से पूछा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते? फिश ने कहा बेटा जमीन पानी में इसलिए रहते हैं कि हम फिश हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। तब कहना पड़ता है कविता मेरा प्रोफेशन है, पैशन है और मिशन भी है। मैं एक बेटियों पर मैंने लंबी कविता लिखी है, उसका एक बंद केवल पढ़ता हूं, अच्छा लगे तो आप आशीष दीजिएगा। मैं कहता हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। कहीं आप कमजोर होंगे तो मेरे संकल्प भी कमजोर होंगे। हमसे लोग कहते हैं कि कविताएं क्यों करते हैं, बड़े उद्योगपति, बड़े राजनेता। तब मैं इस मंच की ओर से जवाब देता हूं कि अक्षर है क्या, शब्द है क्या? खंडेलवाल जी, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। सदियां बीते जब सुल्तानों के नामो निशान नहीं होंगे, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। अक्षर कभी खत्म नहीं होते, हजारों साल तक गीता रामायण महाभारत खत्म होने वाले नहीं है। तब कहता हूं ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई है, ऐश बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हम उन बेटियों की रक्षा करें, मां बाप का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, तब कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पूर्ण होती है। मैं अंतिम चार पंक्तियां कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पर यह मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत डरे हुए हैं लेकिन चलिए, सबने अच्छा पढ़ा, सुमन जी ने भी अच्छा सुनाया। मैंने कहा इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। और मैंने कहा मुझे क्या, गूगल से डाउनलोड किया? थोड़ा सहज होके बैठिए, बनारस का आदमी कभी फंसता नहीं। बैठो बाबू, भाई साहब भारत माता की जय आप ही कर रहे थे ना, मैं आया तो कुछ तो गलती हो गई क्या मुझसे? कोई बात नहीं, सहज रहिए। मंत्री जी सुन रहे हैं, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, बहुत मन से बैठे हैं। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं, सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। तालियां कमजोर नहीं बजाई, बहुत अच्छे, मुझे आनंद, बहुत बढ़िया। जब मेरी पहली बार शादी हुई, अरे वाह, पहली बार होती है सर, शरीफ आदमी की, हर आदमी दिग्विजय सिंह थोड़ी। पहली बार शादी हुई और मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली देखी, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? बड़ी चर्चा ट्रंप की हो रही है साहब, गुजरात में आए, अहमदाबाद में जगह जगह लिखा है, मैं दो दिन पहले था, केम छो ट्रंप, जगह जगह दीवारों पर लिखा है केम छो ट्रंप, कैसे हो ट्रंप? अगर बनारस आ रहे होते तो लिखा होता काबे ट्रंप वा। अरे बढ़िया बात है भाई, भाषा का मजा है, तो बनारस से तो भाषा तो है ही।
बनारस का आदमी फंसता ही नहीं, वो बनारस के एक इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया। कंजूस आदमी था, नहीं मच्छरदानी लाया ही नहीं, उसने उस छेद के सामने दूसरा छेद कर दिया और मंत्री जी बाजार से एक पाइप खरीद के लाया और इस छेद उस छेद में फिट किया। मच्छर इधर से घुसे और पाइप से होते हुए गाजीपुर की तरफ चले गए। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर निकलेगा नहीं। तो जो आदमी मत करो, मैं सारे सारे मजे आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बनारस का आदमी तो लाजवाब है, मैं जानता हूँ। मेरी जब मैरिज एनिवर्सरी थी पिछले दिनों तिवारी जी, तो मैं मर्सिडीज लाने गया तो 2 रुपए कम पड़ गए। तो मैंने कंपनी से कहा भाई 2 रुपए कम है, कल ले लेना। बोले नहीं, पूरे पैसे देने पड़ेंगे, उधार नहीं चलता, बड़ी कंपनी है मर्सिडीज, पूरा पैसा दो नहीं तो डिलीवरी कल मिलेगी। मैं उदास होकर भाई साहब बाहर आया, मैंने कहा डिलीवरी नहीं हो रही 2 रुपए के चक्कर में। मुझे एक बनारसी भाई मिल गए मुझे सड़क पे, मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। तो उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए भी लेते आना। अभी भी कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे, पीछे तो बाबूजी ऐसे बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनार के लिए समझ रहे हैं। ऐसे मत करो, आनंद में बैठो, आ जाओ बाबू। तुम्हारा ये 7वां चक्कर, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। उत्तर प्रदेश का तो अपना रंग है, जिसने नहीं देखा उत्तर प्रदेश वो क्या, जिसने उत्तर प्रदेश देखा समझो उसने हिंदुस्तान देख लिया। वाह, इतनी संस्कृतियां, इतनी इतने रंग, अकेला बनारस काफी है, जिसमें एक भी ऐसा रंग नहीं है जो बनारस के पास ना। वो तो शमशान घाट से आया एक कांग्रेसी घूम रहा था इधर, कौन सा शमशान घाट है वो, मणिकर्णिका, आपको याद है मणिकर्णिका से वो कांग्रेसी गुजर रहा था, उसने देखा तिवारी जी कि वहां लिखा हुआ है मृत्यु अटल है, तो उसने कहा अच्छा यहाँ भी भाजपा ही। तो उसे बहुत गुस्सा आया, बोले यहाँ भी भाजपा घुस गई, मृत्यु अटल है। तो उसने नीचे लिख दिया मृत्यु ना अटल है ना मृत्यु अडवाणी है, हमारी तो राहुल गांधी है। भाषा बदलती है। तालियां अभी भी कमजोर है, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। कमाल है, कमाल ही है। अभी चिदंबरम जी जब बंद थे जेल में तो सोनिया जी उनसे मिलने गई, आपको पता होगा चिदंबरम जी से सोनिया जी तिहाड़ मिलने गई, तो बच्चों ने कहा, राहुल जी ने कहा कि मम्मी आपको क्या जाने की जरूरत थी, तो सोनिया जी ने कहा बेटा आज हम जब किसी से मिलने नहीं जाएंगे। दिल्ली में तो जो कांग्रेस की हालत हुई तो भाषाएं बदल गई। आजकल तिवारी जी पेट्रोल भरवाने जाओ तो पेट्रोल पंप वाला कहता है भाई साहब पहले मीटर पे कांग्रेस देख लो। हाँ, उसके बाद तो आनंद में रहिए, मैं हंसाने का काम करता हूँ, क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान। बाबा बहुत खूब। जिस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाता, पूजा नहीं कर पाता, मैं कुछ लोगों को हंसा देता हूँ, मुझे लगता है कि ईश्वर तक मेरी पूजा पहुंच चुकी। वाह वाह। कोशिश करता हूँ, लगभग महीनों की लंबी यात्राओं के बाद हम लोगों के गले इस लायक बचते नहीं है कि हम कुछ सुना पाए, कोई वाद्यंत्र भी नहीं है, कोई माध्यम भी नहीं है। कल रात हम लोगों का कार्यक्रम छिंदवाड़ा था, कहीं छिंदवाड़ा के आगे परासिया, वहां से हम छिंदवाड़ा पहुंचे, छिंदवाड़ा से रात भर जग के सुबह 6 बजे नागपुर पहुंचे, नागपुर से कलकत्ता गए, कलकत्ता से गया गए, गया से बनारस पहुंचे। तो 24 घंटे का जागरण की थकान के बीच मैं आपके बीच हूं, कई रातों की जागरण के बाद। लेकिन मैं एक टिप्पणी करता हूं कि किसी डॉक्टर के पास कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा कैप्सूल नहीं है जो थके हुए कवि में ऊर्जा भर दे। ईश्वर ने वो नेमत केवल आपके हाथों में तालियों के रूप में सौंपी है कि आप थके हुए कवि। वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब।
लोग कहते हैं व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता कौन सुनता है। अगर बनारस जैसे महानगर बड़े शहर में गंगा के घाट पर इतनी ठंड में इतने लोग भी बैठकर कविता सुनते हैं रात को 12 बजे, तो हिंदी कविता के पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ दिया है। बाबा तुलसीदास ने, कबीर दास ने, जयशंकर प्रसाद ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कबीर ने, कुछ ना कुछ तो दिया है। हमारी विरासत के पास क्या है? जब कोई कहे कि कविता ने हमें क्या दिया, तो मैं 10 पंक्तियों में पैरवी करता हूँ पर्यटन विभाग के इस कार्यक्रम में। स्वागत कि कविता ने हमें क्या दिया, समाज को क्या दिया। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था, जिस रस में मैं पढ़ूं उस रस में डूब जाइएगा, आपको आनंद आएगा। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। आहा वाह, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वाह 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 वाह, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। क्या कहने, वाह। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। और एक पंक्ति में कविता का सबसे बड़ा सम्मान दुनिया में अगर है तो हिंदुस्तान में है। मैं इशारा करता हूँ आपकी तालियों की मोहर लगे कि मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। क्या कहने जोगी, कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं इसकी खुशहाली की खातिर, ये मन्नत मांगा करते हैं, ये मीर कबीरा सूरा के वंशज इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। आज बनारस में राजघाट पर गंगा के तट पर कविता हो रही है, कहीं ना कहीं शिव की आराधना भी साथ में शामिल है। थोड़ी आवाज अगर साउंड के लोग हों तो ठीक कर दें और थोड़ी बढ़ा भी दें। उत्तर प्रदेश में मैं तो राजनीतिक घटनाओं से भी हंसी निकालता हूँ, कैसे निकलती है मैं बताता हूँ। स्वागत। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। आप कुटे थे क्या? जिस त्वरित गति से आपने ताली बजाई, मैं समझ गया कि एक आइटम तो यही है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एंटी रोमियो क्यों बनाया, उनका जवाब सुनना। राजनीति से घटनाओं से हंसी कैसे निकलती है सुनना। ताल भी दे सकते हैं साथ में, अच्छा लगेगा। कुछ कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। वाह। 1 2 3 4 सौ तक गिनती भी सुना सकता होगा। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। जो मैंने वाह 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 वाह, क्या बात। अगर समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूँ। नाम बदले शहरों के, मेरे एक मित्र हैं मिश्रा जी, कंफर्म टिकट लिया 6 महीने पहले ट्रेन का, फैजाबाद से इलाहाबाद, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज, मिश्रा जी विदाउट टिकट। केजरीवाल जी की सरकार आई, सुना 4 पंक्तियां के धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए। सब लोग ताल भी दे सकते हैं, बिल्कुल तनाव छोड़ दो। के धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। वाह 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 वाह। यहाँ भी तो आए थे चुनाव लड़ने, हाँ एक ही बार में निपट गए। हर जगह हंसी दिखती है, आनंद लो। हिंदुस्तान कमाल का देश है, दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। कमाल का मामला है। वो अभी तिवारी जी, दूध में निरमा की मिलावट पाई गई तो लोगों ने निरमा वालों से शिकायत की, बोले दूध में निरमा मिल रहा है। तो निरमा ने कहा हम तो शुरू से ही कह रहे हैं दूध सी सफेदी निरमा से आई। नहीं समझ रहे तो
बहुत अच्छे। तो मोदी जी ने नोटबंदी की, मैंने उससे भी हंसी निकाली। मैं जल्दी जल्दी से कुछ रस दिखाता हूँ कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो, अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। इस मामले में पूरे भारत के विचार एक है। मैं एक बारात में गया अभी, तो एक ढोल वाला बोला, दोनों तरफ महिलाओं की फोटो लगाई हुई थी ढोल में, दोनों तरफ। मैंने कहा आप बड़े महिला प्रेमी हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, इतना आदर करते हैं, ढोल पे महिलाओं के फोटो। बोले भाई साहब कोई आदर वादर नहीं करता, एक तरफ मेरी पत्नी की फोटो लगी है, एक तरफ सास की चिपका रखी है, घर में मौका नहीं मिलता इसलिए बाहर कूदता। जब मोदी जी की सरकार बनी तो मैंने एक शुद्ध हास्य का गीत लिखा, आपको शुद्ध हास्य का एक गीत पहले सुनाता हूँ और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सब सुनना चाहते हैं, बोर तो नहीं हो रहे? बहुत अच्छा, इतनी ताली तो मैं अकेले ही बजा सकता था, क्या जरूरत थी। इतने लोग पर्यटन वाले अंधेरे में बैठे हैं, अगर ये सामने बैठे होते तो पर्यटन को अंधेरे में बैठने की क्या जरूरत है। उन्होंने पूरा पर्दा घेर रखा है, इस कोने से उस कोने तक, ये सब इंतजार में है कि कब कभी जाएं और हम अपना समय टेक। सुनना, बिल्कुल शुद्ध हास्य है, सहज हास्य। कि कांग्रेस का तो हो गया बंटाधार रसिया, सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोरदार। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा, और ये लाइन आप गा भी सकते हैं, तुम लोग भी। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि कैमरे वाले ताली नहीं बजाएंगे। कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा च्युइंगम खाओ बैठ के देखो पोगो। स्कीम मैं बता रहा हूँ, ताली आपको बजानी है, कुछ नहीं करना। कि कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा च्युइंगम खाओ बैठ के देखो पोगो, कलमाणी ऐ राजा बज गया सबका बाजा, चिदंबरम से कहें सोनिया लुंगी डांस दिखा जा। चिदंबरम से जितना समर्थन बढ़ाओगे उतना आनंद में बढ़ाऊंगा। मेरा गला थोड़ा खराब है, थकान भी है, लेकिन मैं कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगा। कि सिंधिया दिग्गी राजा बज गया सबका बाजा, चिदंबरम से कहें सोनिया लुंगी डांस दिखा जा, युवराज को ले डूबा चौकीदार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना, मुझको धरने। आनंद लो, आप सौभाग्यशाली लोगों में हैं कि बनारस में इतने बजे कितने ऐसे लोग सौभाग्य होगा जिनके होठों पर हंसी आ रही होगी। कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना, खाली फिरे कन्हैया करते दैया दैया, चंद्रा बाबू आंध्रा में करते हैं दैया दैया, घायल नागिन जैसी ममता की फुफकार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। तेजस्वी कुशवाहा दोनों हो गए स्वाहा, लोकसभा चुनाव के परिणाम देखना आप। कि तेजस्वी कुशवाहा दोनों हो गए स्वाहा, हार गया गठबंधन माया करती क्रंदन, खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया। जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर
अमरीका था खीजा नहीं दिया था वीजा, अमरीका था खीजा, अमरीका था खीजा नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा, अब कहता है जीजा जी आकर खा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, नोट की बंदी करके भी ये 300 सीटें लाया। नोट की बंदी, अब कोई हाथ रोक सके तो मैं देखना चाहता हूँ कि नोट की बंदी करके भी ये 300 सीटें लाया, अब की नसबंदी करने को है तैयार। की नसबंदी करने को है तैयार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सरकार रसिया। जोर 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 गा भी सकते, गा भी सकते, गा भी सकते। कांग्रेस का तो हो गया बंटाधार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया। खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब हैं चंगू मंगू मोदी हैं छह फुटिया। वो तो सब विजुअल पोएट्री कि वो तो सब हैं चंगू मंगू मोदी हैं छह फुटिया। रोए पाक बेचारा आ गया शेर दोबारा, पुलवामा के चक्कर में था घर में घुस कर मारा। इमरान को चढ़ आया है बुखार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सरकार रसिया। जोर सम अंतिम मंद पढ़ता हूं कि अमित शाह की माया ऐसा लठ घुमाया, अमित शाह की माया ऐसा लठ घुमाया, सीना ठोक के 370 का कर दिया सफाया। सीना ठोक के जो लोग खुश हो 370 रखने से और राम मंदिर बनने से, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर सरकार का माननीय मोदी जी का और उनका अभिनंदन करें इस बनारस की भूमि में जितने निर्णय हुए हैं देश के हक में। जोगी जी कोई नारा पूरा लगने दो, नारा फिर लगाओ दोबारा से एक बार आप। ये जरूरी है। वाह, देखिए साहब ये गंगा के पानी का असर था, आपने जितवा के भेजा बड़ी संख्या में, तो कहीं ना कहीं सरकार बनी और तब ये 370 धारा हटी और राम मंदिर का निर्माण होने की तरफ है। और भी बड़े निर्णय आने वाले हैं। मैं गीत के अंतिम मंद की ओर चलूं। स्वागत स्वागत। अमित शाह की माया, तालियां ताल से, अमित शाह की माया ऐसा लठ घुमाया, सीना ठोक के 370 का कर दिया सफाया। हो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाबी, जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी। एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, एक छोटा भाई आगे भी तो चाहिए। एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, वरना लालू जी से ले लो एक उदार रसिया। फिर से मोदी ने बना ली सरकार रसिया। एक बार और यही वाली वंस मोर। कितने लोग और सुनना चाहते हैं ये बताएं। बहुत 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 बहुत। मैं तो आप मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पर्यटन विभाग में कीर्तिवर्धन जी ऐसा करो कि ऐसे कार्यक्रम करो सारे गंगा के घाटों पर करिए, सब जगह, कानपुर करिए, बिठूर करिए, सब जगह गंगा माँ का आशीर्वाद लेते चलिए और सारे गंगा के घाटों पर एक शाम ऐसी हो और उसमें टाइम थोड़ा सा शाम को 6 बजे 7 बजे से 9 बजे 10 बजे तक खत्म हो जाए और उसमें आप भी कविता जरूर सुनाना। क्योंकि आप हमारे लिए भले ना कराओ अपने लिए तो कराओगे। ये ठीक है, सहज रहिए। मैंने एक गीत पढ़ना चाहता हूं और माननीय नीलकंठ जी बिल्कुल ताज़ा कविता एक सुनाना चाहता हूं क्योंकि आपके विभाग से संबंधित विषय पर है। और
एक गीत मैं पढ़ता हूं, यूपी के संस्कृति और पर्यटन पर मैं एक गीत सुनाता हूं। अरे वाह क्या बात है, वाह बहुत। एक लाइन आप गाएंगे और गीत सुनिए, उत्तर प्रदेश को मैंने गीत में कैसे बांधा है ये मैंने कोशिश की। स्वागत है, पढ़िएगा। सुनानी गला बहुत खराब है, हिंदी में पढ़े बगैर मानू। क्याम श्री राम का पुण्य धाम संगम तट की शोभा ललाम, हम श्री राम का, हम श्री राम का पुण्य धाम संगम तट की शोभा लला, हम घाट बनारस वाले हैं या मंदिर और शिवाले हैं, रज है मथुरा वृंदावन की जा खेले कृष्ण कन्हैया है, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले। बहुत अच्छे, वाह। यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, ये आजादी की है दौलत, मंगल पांडे बेगम हजरत है युगों युगों के सेनानी, आला उदल झांसी रानी, अशफाकुल्ला है बिस्मिल है, आजाद शरीखों का दिल है, दुर्गा भाभी के जयकारे, झलकाई भाभी के नारे, इतिहास यही लाता है, हम सबसे बड़े लड़ैया हैं, हम यूपी। वाह 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 क्या बात है, बहुत अच्छे। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, चोरी चोरा का लिए जोश, मेरठ वाले हम सरफरो, बलिया वाले हम बागी हैं, हम कानपुरी बैरागी। वाह 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 वाह, हर शहर जोड़ा है कि चोरी चोरा का लिए जोश, मेरठ वाले हम सरफरोश, बलिया वाले हम बागी हैं, हम कानपुरी बैरागी, हम लखनऊ के बाके अधीर, हम हैं पिटूर के सूरबीर, चिनगारी मैनपुरी की हम, काशी आजमगढ़ का दमखम, आजादी वाली नैया के हम सबसे बड़े खिवैया हैं, हम यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले भैया। अगर गर्व हो तो सबके स्वर मेरे साथ हो, बहुत अच्छे। कि हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम मानवता के लश्कर हैं, हम सारनाथ के पत्थर हैं, विंध्याचल देवी का आंचल, सूफी संतों का है संगम, संगम तट पर हम शुद्ध हुए, हम कुशीनगर में बुद्ध हुए। वाह वाह वाह, संगम तट पर हम शुद्ध हुए, हम कुशीनगर में बुद्ध हुए, गंगा यमुना का पानी है, हम ही कबीर की बानी है, गंगा यमुना। और दो पंक्तियों पर आपका हाथ उठाने का दिल करे तो उठाना, कि हम ही कबीर की बाणी है, जो प्रभु को भी भव पार करे, हम उसके वट की नैया है, हम यूपी भैया है, हम यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले। हम सुबह बनारस की आभा और शाम अवध वाली शोभा, सुरलहरी शिव जी को भाई, हम बिस्मिल्ला की शहनाई। वाह 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 वाह, सुरलहरी शिव जी को भाई, हम बिस्मिल्ला की शहनाई, बिरहा आला हम फाग हुए, हम संगीतों के राग हुए, हम कला अदब का धन भी हैं, कव्वाली और भजन भी हैं, बेगम अख्तर का गायन हम, राजन साजन का गायन हम, बिरजू की ताता थैया है, हम यूपी वाले भैया, हम यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले भैया। हम लाल बहादुर से जीवट, हम लोहिया के जैसे कर्मट, हम युवा तुर्क चंद्रशेखर हैं, हम चरण सिंह हैं, खेतियर हैं, जगमोहन सिन्हा भी हम हैं, हम राज नारायण का दम है, आपातकाल के संहारक, हम शांति अमन के रक्षक हैं, जितने भी विरोधी यूपी के वो सबके सब तन खैया है, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, तुलसी और सूर के अक्षर हम, बुनकर कबीर की चादर हम।
तुलसी और सूर के अक्षर हम, बुनकर कबीर के चादर हम, अलीगढ़ के हम ही ताले हैं, हम ताज आगरा वाले हैं, फुलवारी खेती बाड़ी है, मशहूर बनारसी साड़ी। वाह वाह वाह। फुलवाड़ी खेती बाड़ी है, मशहूर बनारसी साड़ी है, मेरठ की कैची रखते हैं, मथुरा के पेड़े चखते हैं, मेरठ की कैची रखते हैं, मथुरा के पेड़े चखते हैं, जो आसमान में उड़े वही गुब्बारे हैं, कनकैया हैं हम यूपी। हम यूपी वाले भैया हैं, हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट की शोभा लला, हम घाट बनारस वाले हैं, जहाँ मंदिर और शिवालय हैं, रज हैं मथुरा वृंदावन की, जहाँ खेले कृष्ण कन्हैया हैं, हम यूपी वाले भैया। एक बार सब लोग, हम यूपी वाले, हम यूपी वाले भैया, हम यूपी वाले भैया। बहुत बहुत वाह, कमाल भैया। प्रभु को भव सागर पार करे हम, उसके वट की नैया है हम यूपी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत बधाई भी देता हूं इस मैराथन मुशायरे और कवि सम्मेलन के लिए, जो विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प लिया नदीम साहब ने, संजय भाटी जी ने और सिकंदर हयात गड़बड़ भाई बैठे हैं। हिंदी उर्दू के बड़े नाम इस स्टेज पर हैं। दादरी में निश्चित एक बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है। मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। बात पहुंच जाए मेरी तो फिर आपकी तालियां, आपका शोर, आपकी मोहब्बतें भी यहां तक आनी चाहिए। मैं हंसाने का काम करता हूँ, मुस्कराहटें बांटता हूँ दुनिया में, और कहता हूँ कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पर यह मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने बनते ही ऐलान किया कि एंटी रोमियो स्क्वाड लागू किया जाए, मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वालों को पकड़ा जाए, उनको बंद किया जाए। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से पूछा कि ये ऐलान आपने क्यों किया, ये कानून क्यों बनाया। उनका जवाब सुनना, मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो मैं सियासत से हंसी कैसे निकलती है ये आप तक पहुंचाता हूं। योगी जी ने जो जवाब दिया मुझे एंटी रोमियो पर, उस पर मैं कुछ बोलता हूं कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। ये उनका जवाब है। आप सब चाहें तो मुझे ताल के साथ भी सुन सकते हैं जी। के चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। हाँ, मेरे साथ हैं। के चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। अरे वाह 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 वाह। जो मैंने ना किया तुम्हें करने, ताल के साथ सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। और ये समर्थन आप 10 गुना कर दें तो मैं आपके आनंद को 100 गुना करने का वादा करता हूं। दिल्ली की सरकार आई, दिल्ली की सरकार जब केजरीवाल जी की आई तो मैंने फिर 4 पंक्तियां कही जी। सुनना आप राजनीति से, सियासत से हंसी कैसे निकलती है। के धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। वाह, कुछ लोग समझ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। बाकी तक भी मेरी बात पहुंचेगी। कमाल का देश है हिंदुस्तान, बहुत अद्भुत देश है। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती। अद्भुत देश है। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। वाह। देश में रहना है आधार बनवा लो, नहीं रहना है उधार ले लो। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो विजय माल्या नीरव मोदी पैक करा के ले गए। बात आप तक पहुंचे तो बताना।
के धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए. वाह. वन टू थ्री फोर. धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए. हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री. वाह. वो खास. वाह 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 वा. क्या कहना सुनील भाई. वाह 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 वाह. अरे वाह डॉक्टर साहब वाह. और सुनना चार पंक्तियां हेलो भाई कि किस किस के दिल में लोग यहाँ कब से बसे हैं. आलोक नाथ नाना के सब पेच कसे हैं. ये देख करके खुश हुए इमरान हाशमी, सारे बुजुर्ग लोग ही मीटू में फंसे हैं. सारे बुजुर्ग लोग ही मीटू. अच्छा लग रहा है तो मुझे बताएं, आपके हाथ उठें, मुझे बताएं कि आप तक बात पहुंच रही है. एक और ताजा घटना पर सुनाता हूं मैं, बहुत ताजा ताजा कहता हूं कि एक दिन उन्हें दुनिया बड़ी रंगीन मिलेगी. हारमोनियम बजाएंगे तो फिर बीन मिलेगी. वाह. हारमोनियम बजाएंगे तो फिर बीन मिलेगी. जो लोग बुढ़ापे में, जो लोग जवानी में भजन गाया करेंगे, उनको ही बुढ़ापे में जैसलीन मिलेगी. वाह. हा उनको ही बुढ़ापे में. जो लोग अभी भी उदास बैठे हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी. पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी. जरा सा मुस्करा दो बदनसीबी भाग जाएगी. वाह 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 वाह. पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी. जरा सा मुस्करा दो बदनसीबी भाग जाएगी. जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी. आहा आहा वाह. जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी. इस देश में कहां तनाव हो जाए, कहां झगड़ा हो जाए कुछ पता नहीं साहब. मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे. मैंने एक से पूछा कि भाई पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी. तब मैंने कहा कि नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए. इस्लाम में है चार बीवियों की इजाजत. ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए. आनंद लो. मैं हंसाने का काम करता हूं क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं. साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं. पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता. वाह 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 वाह. क्या कहना डॉक्टर साहब. वाह वाह. 19 का चुनाव आने वाला है. एक संकेत मेरा समझे आवाम कि ऐसा ना हो कि रंग में ये भंग जमा दे. आपकी खामोशी में मुझे मजा नहीं आएगा. कि ऐसा न हो कि रंग में ये भंग जमा दे. इस बार इलेक्शन में न चूना ही लगा दे. लगता है नोटबंदी जीएसटी को देख कर ये जेटली मोदी को केटली न थमा दे. नोटबंदी की, नोटबंदी से भी हास्य सुनना साहब. ये मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो. मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो. अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने. बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो. वाह. तो बदल. अरे असल में देखिए, मैंने जिस भरोसे पर बड़े भाई से गुजारिश की थी और जैसे उन्होंने मेरी बात की लाज रखी, माफ कीजिए आपने उस तरह से सुना नहीं. एक बार जरा मुझे बताओ कि डॉक्टर सुनील जोगी को सुनने के लिए माहौल कैसा होना चाहिए. ये माहौल चाहिए. अरे वाह 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 सर. मुझे कुछ और हुक्म हुए हैं यहां. बड़े शायर बड़े कवि सब मंच पे हैं. मैं रंग बदलना चाहता हूं. तमाम बुजुर्ग यहां बैठे हैं. मैं कहता हूं किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है. रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है. वाह 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 वाह. इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है. मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, मां बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं.
कहीं संवेदनाएं इतनी महिलाएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, मैं चार पंक्तियां इनके लिए कहता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं। वाह 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 वाह। बेटी और बेटे में अंतर क्या है जी? कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। वाह 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 वाह। हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया साहब, कहां तक पहुंच गई हमारी संस्कृति। तब मैंने बेटियों के नाम कुछ पंक्तियां लिखी, वो आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। वो चीजें पढ़ता हूं जो कहीं विश्व के स्तर पर कोडेबल हो, कि हम बेटियों के लिए भारत क्या सोचता है जी। कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई है, अयस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। वाह वाह वाह। मूर्ख जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, बाप की पगड़ी है माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। वाह वाह वाह। मैं कुछ कते पढ़ता हूँ, कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ, आप तक पहुंच जाए बात तो मुझे बताना जी। रख साहब, कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। हमारे हवा आनी चाहिए आपकी वहां से, मैं थोड़ा सा अपना रंग बदलता हूँ। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए, दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। और पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, आपको आपके पिता की यादों तक ले चलता हूं, चार पंक्तियां आप तक पहुंचे। इस्तकबाल, इस्तकबाल। समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। क्या कहना, क्या कहना डॉक्टर साहब, वाह। और आगे की दो पंक्तियां अगर अच्छी और सच्ची लगे तो सबकी हाथ उठाकर दुआएं भी चाहता हूं। कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया, क्या कहना, मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू। वाह 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 वाह। जहाजों से भी उड़कर, वाह वाह वाह, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। वाह वाह। हिंदुस्तान कहाँ है? कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। वाह। ये हम संस्कृति का देश है, हाँ से हिंदू माँ से मुस्लिम, तब कहीं देश एक होता है। कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है, भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। चीथड़े जागे दादरी एक बार मेरे साथ, कि भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है, अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। किसानों वा, वा, वा। और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है, किसानों वा, वा, वा। और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। एक और बुराई हमारे घरों में आने लगी है, मैं इशारा करता हूं। कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में दाल लेती है। क्या कहना। मुसीबत कैसी भी हो खुद को ऐसा ढाल लेती है, बिठाता है गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल ले। अमीरी प्यार वा, 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 है वा। तो कुत्ते। ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, सब धर्म अपना अपना पता बताते हैं। एक पता इस फकीर का भी सुनना, शायद आपको ठीक लगे। इरशाद। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो। नरीम भाई, इतनी मेहनत की है आपने इस मुशायरे कवि सम्मेलन को विश्व लेवल पे पहुंचाने के लिए, मैं पूरे पांडाल से चाहता हूं कि इस बार इतना बड़ा काम जो हिंदुस्तान क्या दुनिया में
कहीं हुआ नहीं, उसके लिए इन सब लोगों के लिए एक बार तालियां बजाएं पूरा पंडाल एक बार। निश्चित तौर पे हम इस एक ऐतिहासिक क्षण में हैं कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। वाह, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता क्या है। कहना, क्या कहना, वाह। मेरा चेहरा, कुछ लोगों के हाथ बंधे हैं, थोड़ा सा दिल को तकलीफ होती है, शायरी की महफिल में आप बैठे हैं। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है खो जाने से। वाह 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 वाह, क्या कहना डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, वो खोजे से नहीं। वाह 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 वाह, कुछ लोग दोबारा सुनना चाहते हैं जी, कि जिसे, कितने लोग सुनना चाहते हैं मुझे बताएं हाथ उठा के, कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है खो जाने से मिलता है। वाह वाह वाह, खोजे से नहीं। कविता मिशन भी बन सकती है, प्रोफेशन के साथ साथ कविता मिशन कैसे बनती है, शायरी मिशन कैसे बनती है, मैं चार पंक्तियां पहुंचाता हूं। आप तक पहुंचे संजय भाई, स्वागत स्वागत। निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, क्या कहना। फिर उसके बच्चे ने फिर से पूछा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते। फिर उसने कहा बेटा हम लोग फिश है ना, इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। तब कहना पड़ता है कि निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, है जिसकी जिंदगी अभिशाप वो वरदान कर देना। अगर हसरत है अपने बाद भी संसार को देखो, तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना, सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना। और हर सरकार कहती है कि भ्रूण हत्या मत करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान करो, लेकिन कवि किस तरह बात कहता है। स्वागत स्वागत। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं और आखिरी पंक्ति पर दादरी का जन्म संग्रह देखना चाहता हूं। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वाह। वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े पीन लेता वा, है। वा, 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 कविता के नाम पर जो सबसे अच्छा मेरे पास है वो दो पंक्तियां मैं सौंपता हूं दादरी को। स्वागत वो है, अपने स्वागत चाहने है। वालों के दुखड़े पीन लेता है, कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दादरी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच बताता हूं, कविता शायरी की जरूरत क्यों है दुनिया में, क्योंकि दुनिया, ये समाज, ये देश संवेदनहीन हो रहा है। लोग मरते रहते हैं, लोग फोटो खींच के चले जाते हैं, उसे फेसबुक पे डालते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, उन्हें बचाने की कोशिशें बहुत कम लोग करते हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, भगवान से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन भगवान भी मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैं एक गीत के दो बंद पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ, नीक से हटके थोड़ा पढ़ने का मेरा मन हो रहा है, क्योंकि नहीं डॉक्टर साहब आप अपनी मर्जी से तो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। एक गीत की बहुत फरमाइश है, सैकड़ों लोगों के फोन और मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, मुश्किल है अपना मेल प्रिय जो आपका बहुत शाहकार गीत है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की हुई है, तो आप अपनी मर्जी से पढ़ के उसको जरूर एक बंद पढ़ना है उसका। मैं ये पहले दो बंद पढ़ना चाहता हूं, जो कुछ मैं अलग लीक से हटके कहना चाहता हूं, फिर जैसा स्वागत 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 आपका हुक्म। स्वागत। ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, कुछ जरूरी काम हमें पूजा तक जाते जाते छूट जाते हैं हमसे। ईश्वर क्या कहता है, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन मेरे कथ्य पे एक बार जरूर विचार करिएगा। अगर आपके खून में एक बूंद भी संवेदना है तो आप थ्रिल हो जाएंगे, ये मेरा वादा है, दावा है। स्वागत स्वागत। कि कहा है मुझसे ईश्वर ने, सुनना साहब, समर्थन करना तो पूरे मन से करना। कि कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना,
मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना। वाह वाह सुनना साहब, शिरकत करना तो एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूँ कि कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना। तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है जहाँ पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है। जागे जागे दादरी एक बार, वाह 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 वाह। तुम्हारे घर के पीछे ही क्या कहना, मलिन सी एक बस्ती है जहाँ पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है। वहीं पर एक बेवा दाने दाने को तरसती है, जो भूखी रात को सोए तो इंसानों पे हंसती है। उसी के साथ बैठा हूँ, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उसको लगा जाना, कि जो प्रसाद लाए हो उसे आकर खिला जाना। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर, वाह 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 वाह, मंदिर में नहीं, वाह वाह वाह, आज मंदिर में, ब्यूटीफुल, मैं मंदिर में नहीं हूँ। शहर का बीच चौराहा, दूसरा दृश्य देखना, शहर का बीच चौराहा जहाँ शोरूम होते हैं, जहाँ फुटपाथ पर थक करके रिक्शे वाले सोते हैं, वहीं स्कूल के बाजू में लाला जी का होटल है, कई बच्चे शहीदों के वहाँ का प्लेट धोते हैं, उन्हीं के साथ बैठा हूँ, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उनको लगा जाना, किताबें दे के उंगली थाम के स्कूल ले जाना। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना, मैं मंदिर में नहीं। ये वो जरूरी बातें थी जो मैं कहना चाहता था। कहीं ना कहीं लोगों के भीतर संवेदनाएं बनी रहे, कहीं ना कहीं ये मोहब्बतें बनी रहे। एक हुक्म हुआ है गीत के लिए मुझे जी, नदीम फारूक साहब ने कहा है, उस गीत के भूमिका में मैं दो मुक्तक पढ़ता हूँ। प्रेम भी बहुत हंसाता है साहब, प्रेम में भी बहुत आनंद है जी। चार पंक्तियां मैं पहले पढ़ता हूँ, स्वागत। विरोधाभास देखना साहब प्रेम में, कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं। वाह वाह, विरोधाभास देखो आप, कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं। और एक पंक्ति में हास्य हो तो सबके हाथ खुले, कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। क्या कहना क्या कहना। रोमांटिक पति कहता है गोरी तेरे नैना जादू भरे, धार्मिक पत्नी कह देती है ओम जय जगदीश हरे। प्यार में क्या क्या मुश्किल होती है, लोग सुझाव देते हैं कि आदमी को प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं जिनकी खुद की शादी भी नहीं हुई होती, और उनकी तो छोड़ो उनके बाप की भी शादी नहीं हुई होती। तब मैं कहता हूं कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी, तेरी दाई आंख। वाह वाह वाह, ये प्यार की मुश्किलें जी। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई, खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे कि वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। इस गीत के लिए नदीम भाई कह रहे हैं, बहुत लोगों तक वो पहुंचा है, और एक फिल्म आई थी अभी अनुराग कश्यप की मुक्काबाज, उसमें वो गीत भी था। मैं उस गीत के कुछ बंद पढ़ देता हूं, और मैं जानता हूं आप थक गए हैं बहुत सुनते सुनते, कुछ लोग नहीं थके हैं, वो केवल हाथ हिला के बता रहे हैं कि वो नहीं थके। ये अच्छा है, एक गीत सुनाता हूं जी। अगर आपको लगे कि प्रेम में ऐसे संबोधन ऐसे अंतर आपने कभी सुने नहीं,
तो एक एक अंतर पर एक एक संबोधन पर आपका प्यार आपकी दुआएं चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। ये मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार। वाह वाह वाह। अंतर देखना कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। क्या कहना। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। वाह। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लम्ब्रेटा। इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पूरी बन जाए। वाह। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे, वो जेल प्रिय। मुश्किल है ये प्यार। वाह वाह वाह। अंतर सुनना जी इरशाद। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। वाह। ये हास्य कवि का सौंदर्य वर्णन है जी। ये अंतर आप याद कर लें और शादीशुदा लोग घर में आरती की जगह इस्तेमाल करें, कभी झगड़ा नहीं हो सकता। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। वाह। तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं अल्मोनियम का थाल प्रिय। वाह। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। वाह। तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल। वाह 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 वाह। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं। वाह वाह वाह। तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। वाह वाह वाह। तुम एके 47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। वाह। तुम चतुररा बड़ी देवी सा, तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। तुम एके 47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। तुम चतुररा बड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़ियाघर का भालू हूँ। वाह। तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं अमर सिंह सा थाली हूँ। तुम हसी माधुरी दीक्षित के, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। वाह। गर जेल मुझे हो जाए, तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय। मुश्किल है कि मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेबल की बोतल हो। अरे वाह वाह। तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृषि दर्शन की झाड़ी हूँ। तुम विश्व सुंदरी सी महान, मैं ठिलिया छाप कबाड़ी हूँ। तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोंगा। तुम मछली मान सरोवर की, मैं सागर तट का हूँ गोंगा। 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल प्रिय। मुश्किल है अपना। और आप सब जिस भाव से बैठे हैं, जिस खामोशी से बैठे हैं, मैं उसे भी प्रणाम करता हूं। और जो लोग मेरे आते ही जाना शुरू हो गए, उनकी अंतिम यात्रा के लिए भी मैं बधाई देता हूं। भाई यहां से तो उनकी अंतिम ही है, ये जो 5-7 पूरा का पूरा कौरव दल जा रहा। और आपने मेरे स्वागत में जो घनघोर तालियां बजाई, उसके लिए भी आपका बहुत। लेकिन इससे तो पहले वाली ठीक थी। भैया ये कॉफी चाय रहन दो बाबू, ये दो घूम रहे हैं आसाराम बाबू के चेले टाइप, बस इनको बस जबरदस्ती चाय न पिलाओ बस। यहाँ ये तो बेचारा दीपक प्राण दे दिए गला फाड़ फाड़ के, और आपने चाय का गिलास तक नीचे न रखा। ये कविता के प्रति जो आपका समर्पण है वो बहुत अद्भुत है। कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे बताएं, अब इन्हें तालियों में तब्दील कर दें। ये तो मैं इसलिए उठा रहा था कि देखना चाह रहा था कि किनके किनके हाथ में गिलास। एक ने भी गलती से उठा दिया होगा हाथ, तो उसकी शर्ट का काम हो गया होगा। उल्लास में बैठोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और सब कवियों को अच्छा लगेगा। संख्या कम है, लेकिन जिस मन से आप बैठे हैं उस मन को मैं प्रणाम करता हूं। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं,
उनके लिए पहले एक शेर पढ़ता हूं जो कि जरूरी है महफिल के लिए भी और इस कवि सम्मेलन के लिए भी और सेहत के लिए भी। कवियों के पास कोई हारमोनियम तबला नहीं होता, शब्द होते हैं और वो शब्द अगर आपके दिलों पर दस्तक दें वहां तक पहुंच जाए तो आपकी तालियों की ध्वनि भी कहनी ना पड़े कविता आनी चाहिए। एक ताली इस बात पर बजी है, मैं बहुत बहुत क्या बात है, अद्भुत लोग खंडेलवाल जी, मुझे एक प्लॉट यहीं दिलवा दो, हाँ ये तो रहने लायक जगह। एक शेर पढ़ता हूं, जिनके हाथ बंधे हैं उनके लिए। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। उल्लास से सुने तो अच्छा लगेगा, मैं तो दिल्ली से आया हूं, थोड़े दिन पहले वहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम 49 दिन में पक गए तो टपक गए, समझ जाए तो बजाते चले, वो कोई टेंशन हमें भी नहीं हो और आपको भी नहीं हो। 49 दिन में वो चल बसे, मैंने कहा गलत नाम रखा था, आम सीजनल फल है ना, 49 दिन से ज्यादा कहां चले, केला रखते सेव रखते, महीने और थोड़ा आगे चलता। शशिकांत बोला नारियल रख लेते, लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, हो सकता है और समझे। ये तालियां उन्होंने आम आदमी पार्टी पे नहीं नारियल पे बजाई, मैं जानता हूं मेरा भी भविष्य, कोई चिंता नहीं। क्या छवि बना ली केजरीवाल साहब ने, वो रिश्तेदार के यहां भी जाते तो लोग पूछते कि केजरीवाल जी अरविंद जी सोफे पे बैठोगे कुर्सी पे या धरने पे। वाह, सच में बनारस लड़ने पहुंच गए मोदी जी से, मैंने कहा यहां आने की क्या जरूरत थी, क्यों लड़े, अरे बोले मैंने सोचा 13वीं श्राद्ध किया कर्म सबे के साथ निपट जाए, एक ही साथ निपटा के आ गए। जब उनकी सरकार बनी तो 4 पंक्तियां मैंने कही थी, वहां से मैं शुरू करता हूं, आपकी ताल मेरे साथ होगी तो ये उत्सव महोत्सव बनाने की कोशिश करता हूं। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब। के धरने पे बैठ बैठ के धन नंतरी हुए, अब जरा मन दीजिए, वाह 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 वाह, कोई नहीं, हम लोग लाखों की भीड़ में कविताएं पढ़ने के आदी हैं, एक एक लाख लोग होते हैं, लेकिन मैं एक टिप्पणी करता हूं कि जब हम लाखों की भीड़ में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं सुना रहे हैं, कौरव संख्या में अधिक थे, लेकिन जब यहां संख्या कम है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें पांडवों के सामने कविताएं पढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। के धरने पे बैठ बैठ, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा, के धरने पे बैठ बैठ के धन नंतरी हुए। ओ बेटा कैमरा रख दे, मुझे ताली की जरूरत है, तेरी फोटो की कोई जरूरत ना, बैठ जा। के धरने पे बै और अंतिम पंक्ति में सबका समर्थन मिले अगर लगे आपको कि मैंने कोई बात निकाली। स्वागत स्वागत भैया। के धरने पे बैठ बैठ के धन नंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए, हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए, वो खास खास। तालियां कमजोर हैं आपकी, मुझे मजा आना चाहिए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए, वो खास खास करके। अच्छा सोचो कि कहां से आए होंगे। हाँ। वो शशिकांत पुराने समय में एक दुर्वासा ऋषि होते थे, वो एक बार तपस्या कर रहे, सामने एक कुत्ता आके उनके मुंह पे खांस गया, दुर्वासा जी ने हाथ उठाया मारने के लिए, फिर सोचा संत आदमी हूं कुत्ते पे हाथ उठा के अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करूं, तो उन्होंने साप दिया कि जा तू कलयुग में, तेरा मनुष्य के रूप में अवतार होगा और दिल्ली से बनारस तक खांसता घूमेगा और लोग तुझे थप्पड़ मारेंगे। मैं क्या मारूं? लेकिन इस घटना से केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, आप गलत ना समझे, अन्ना की जो अधोगति हुई है उसका मैं क्रमशः वर्णन करता हूं। कि जनता के प्यार ने उन्हें अन्ना बना दिया,
जब तक आप मेरे साथ होंगे मैं अच्छा अच्छा पढ़ता जाऊंगा, अभी मैंने अच्छा वाला शुरू नहीं किया है। कि जनता के प्यार ने उन्हें अन्ना बना दिया और केजरी ने चूस के गन्ना बना दिया। यही बिल्कुल ताजा पढ़ता हूं कि जनता के, आपका समर्थन बढ़ेगा तो मैं अच्छा अच्छा निकालता जाऊंगा। कि जनता के प्यार ने उन्हें अन्ना बना दिया और केजरी ने चूस के गन्ना बना दिया। दिल्ली की रैली देख के लगता है कि जैसे ममता ने तो अन्ना का अधन्ना बना दिया। यही हुआ ना अधन्ना। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं शायद आपको अच्छी लगे। कि कांग्रेस का इस बार सत्यानाश होगा। एक ही आदमी खुश है कांग्रेस की हार से, वो दिग्विजय सिंह। अरे मैंने कहा इतने खुश क्यों हो? बोले यार अब कोई ये नहीं कांग्रेसी नेता कह सकता कि मैं बिजी हूं, शादी में नहीं आ सकता। सब खाली बैठे हैं, झमाझम बारात निकलेगी। बारात बढ़िया। और मनमोहन सिंह से तेज आदमी नहीं हो सकता। 84 में कांग्रेस ने सरदारों को साफ कर दिया, अगला आया 2014 में बिना बोले कांग्रेस को साफ करके चला गया। 84 के दंगों का इससे बढ़िया बदला और कोई नहीं ले सकता था। वो सरदार था जिसने लिया। तब मैं, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं देखो, मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा नाम क्या है, बोला निसार। नई सदी के बच्चे इतने शार्प बच्चे हैं साहब, कमाल। मैंने कहा नाम क्या है, बोला निसार। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ, वो बोला जवाने जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवान निसार हो गया। हो गया तो बुक तो घूम रही। वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रो नहीं। यह हालत है सच में, महिलाएं इतनी शांत बैठी हैं। मैं तो अपनी पत्नी को लेके कुंभ नहाने गया अभी संगम हरिद्वार इलाहाबाद। मैंने कुंभ में डुबकी लगाई और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ तो न्याय करो, हर कुंभ में भाई भाई जुदा करते हो, एक बार पति पत्नी पर भी ट्राई करो। और वही ताली बजा रहे हैं जिनकी भावना मेरी तरह से। समझदार लोग हैं, मारवाड़ी आदमी तो लाजवाब। खंडेलवाल साहब बैठे ऐसी जगह ढूंढ के बैठे कि पढ़ने वाले कवि को न पता चले कि बात कर रहे हैं या ताली बजा। पढ़ने वाले को तो दिख ही नहीं रहे। शार्प आदमी, मारवाड़ी से तेज आदमी कोई नहीं। वो तीन इकट्ठे थे, एक सरदार, एक गुजराती, एक मारवाड़ी। कौन ज्यादा मजा लेता है, कौन ज्यादा आनंद लेता है? सरदार ने कहा हम लेते हैं। कौन ज्यादा खर्च करता है? सरदार ने 500 रुपए का नोट निकाला और सिगरेट बना के फूंक दिया। बोले जी ले लिए मजे। गुजराती को और जोश आया, उसने 1000 रुपए का नोट निकाला, उसने भी सिगरेट बनाई और फूंक दिया। बोले ये लिया मजा। अब राजस्थानी आदमी का देखना आप दिमाग। मारवाड़ी आदमी ने ब्रीफकेस खोला और उससे चेक निकाल के 5 लाख रुपए का चेक काटा, उसके बाद उसकी सिगरेट बनाई फिर फूका। ये तालियां आपकी अभी भी कम। फिर बोले देखो भाया, दोनों को समझाया, बोले भाया 1 रुपया नहीं लगाया लेकिन मजा पूरा उठाया। तो मैं उन मारवाड़ियों को प्रणाम करता हूं। ये बातें बहुत देर हो सकती है लेकिन मैं अपना चल रहे तो बढ़िया बढ़िया अच्छा हाँ यही करो तो। ये बहुत बहुत शार्प लोग हैं। एक मारवाड़ी का वो पर्स गिर गया, खंडेलवाल साहब का पर्स में 20,000 रुपए किसी रिक्शे वाले को मिल गए। बेचारे गरीब आदमी को 1.5-2-3 महीने बाद ढूंढ ढाड़ के पता वता इनके घर पैसा देने आया खंडेलवाल साहब के। उन्होंने 5 बार नोट गिने तो गरीब ने पूछा कि साहब सेठ जी पैसे कम तो नहीं पूरे हैं ना? खंडेलवाल साहब ने यार पैसे तो पूरे हैं मगर ब्याज दिखाई नहीं दे रहा। चलो पैसा वापस आया उसकी खुशी है ही नहीं, पैसा ना आता तो चलता, ब्याज आना चाहिए। ये जो चतुराई है उसे मैं प्रणाम करता हूं। जो नया परिवर्तन हुआ उसके नाम में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सब ताजा पढ़ने की कोशिश करता हूं, बसरते हाथ भी आप लोग उसी क्रम में खोलते चले। आगे के तमाम लोग शायद ज्यादा पढ़े लिखे हों, पत्रकार हो सकते हैं,
या कुछ इतने अमीर लोग हो सकते हैं सोच रहे होंगे कि अपन आज क्यों बजाएं, ताली तो कल भी बजा सकते, तो ऐसा ना करें, आज अभी जो करना है वो कर। मैं पढ़ता कि कांग्रेस का इस बार सत्यानाश हो गया। चौथी लाइन में मुझे पता है कि आपके हाथ उठेंगे अपने आप, कि ये चार माइक वाले पहली बार जीवन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता माता नीचे बैठी गई ऐसे वैसे बैठे, कि कांग्रेस का इस बार सत्यानाश हो गया, चेहरा बड़ों बड़ों का देवदास हो गया, चेहरा बड़ों बड़ों का देवदास हो गया, बोली ये सोनिया मुझे एहसास हो गया, पप्पू हमारा फेल मोदी पास हो गया, पप्पू यही हुआ। राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया, किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वो क्या बनना चाहते हैं। मैं उनके दिल का दर्द आपके बीच रखता हूं, कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया। ताल जारी रहे, मेरे साथ रहे। वो निर्मल बाबा के दरबार में गया एक, बोला बाबा नौकरी छूट गई, व्यापार ठप हो गया, बीबी भाग गई, बच्चे फेल, बाबा मैं बर्बाद हो गया, क्या करूं। निर्मल बाबा ने कहा कभी सम्मेलन में जाते हो। बोले जी जाता हूं। सुनील जोगी को सुना है? हाँ बाबा सुना है। ताली बजाई थी? बाबा ताली तो नहीं बजाई। बाबा ने कहा कृपा वहीं रुकी हुई है। देखो हम लोग तो ज्ञान ही दे सकते हैं आपको। तब पढ़ता हूं राहुल गांधी की व्यथा बताता हूं, कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया, राहुल जी करवटे बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा कु। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि प्रभु जी किसी को यह स्यापा न देना, प्रभु जी किसी को यह स्यापा न देना कि अंडी तिवारी सा पापा न देना, प्रभु जी किसी को यह स्यापा न देना कि अंडी तिवारी सा पापा न देना, जवानी न दे देना राहुल के जैसी और अडवानी जैसा बुढ़ापा न देना। मुश्किल वहां भी है। तिवारी जी का वो पिछले दिनों टेस्ट हुआ था, वो कौन सा था सारे बुजुर्ग जानते हैं, सावधान हो गए। वो डीएनए टेस्ट लिया जा रहा, उनका ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें, जब तिवारी जी का ब्लड सैंपल लिया जा रहा तो चार पंक्तियां मेरे जहन में आई कि इस समय तिवारी जी क्या सोच रहे होंगे। घटनाओं से, खबरों से, कविता और हाथ से निकालने की कला मैं आपको बताता हूं। उस समय तिवारी जी क्या सोच रहे होंगे मैं बताता हूं, कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना दो, यही कह रहे हो, कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना दो, पहले सी मेरी शाम को नूरानी बना दो, सुन कर के अदालत का हुक्म बोले तिवारी, भगवान मेरे खून को अब पानी बना दो, भगवान मेरे खून। यही सोचा होगा कि भगवान पानी कर दो, आज कुछ ना निकले। लेकिन मैं सोच रहा कि अगर दो चार कैंडिडेट और निकल आए कि हम भी तिवारी जी के ही हैं, तो इस बुढ़ापे में सारा खून तो सैंपल सैंपल में ही खत्म हो जाए। वो एक शेर था कि मजनू सुल्तानपुरी का, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसमें अगली लाइन तिवारी जी ने अपनी घुसेड़ दी, कि मैं भी अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर डीएनए टेस्ट होते गए, परिवार बढ़ता गया। यह स्थितियां होती हैं, हर घटना से हाथ से निकल सकता है। रावण को कोर्ट जाना पड़ा तो जज ने कहा गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। रावण ने कान पकड़ लिए, बोला मिलॉर्ड जिंदगी में एक बार सीता पर हाथ रखा था, पूरा खानदान खत्म हो गया, अब मैं किसी गीता वीता पे हाथ रखने वाला नहीं। ऐसी घटनाओं का मैं एक गीत सुनाता हूं आपको, लंबी थीम है और समय की सीमाएं हैं, मैं गीत पढ़ता हूं, कितने लोग सुनना चाहते हैं मुझे बताते चले। मैं गीत पढ़ता हूं, बस गीत के साथ आप कर रहे हैं, नए नए बंद मैंने उसमें जोड़े हैं, आप आनंद लें। कि देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए, ऐसे मत सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो रही।
कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ रहे हैं कि देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी यो जमाना बदला जाए। देखो ऐसे सुनना है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहो वैसे सुनो, बैठो लेट के सुनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कि देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी यो जमाना बदला जाए। और बिल्कुल ताजा कि नीतीश राहुल माया लालू सब बनते थे हीरो। ताजगी लगे आपको तो फिर तालियों में भी ताजगी दिखनी चाहिए। कि नीतीश लालू माया नीतीश राहुल माया लालू सब बनते थे हीरो, ऐसा कमल खिला की देखो हो गए सारे जीरो, मोदी पड़ गए सब पर भारी योजा। ऐसा कमल फिला की सारे हो गए देखो जीरो, मोदी पड़ गए सब पर भारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना बदला जाए, लालटेन की बत्ती बुझ गई हाथी स्वर्ग सिधारा। कि लालटेन की बत्ती बुझ गई हाथी स्वर्ग सिधारा, तीर और झाड़ू दोनों को पटक पटक कर मारा, पासवान से कर ली यारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी, जो लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। अब बजाइए भाई साहब ने हाथ उठा के। कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी, पीटो शर्मा और तिवारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी, सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाए, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। भाई वो लुक्कड़ साहब तो चले गए, राजा साहब भी नहीं है, अब तो ये खंडेलवाजी बच्चे, इनकी हालत ऐसी लग नहीं रही कि ये देंगे। मैं दोबारा पढ़ता हूं कि सब कवियों की इच्छा, शायद पेमेंट हो जाए, कि सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाए, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए, कवि से कर दे हमें भिखारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी, कई लोग बीच बीच में उठ के चले गए, बहुत सारे। अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, कोई सुनकर जाने की हिम्मत कर सके तो मैं उसकी हिम्मत भी देखना चाहता हूं। कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। कोई जाना चाह रहा है, एक बार तालियां बजा दें पूरे उत्सव के लिए कि आपके छोटे से गांव में जिस तरह से इस बड़े मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया गया है, और खंडेलवाल जी और पूरी टीम ने, लक्कड़ साहब ने जो आयोजन किया है, ये निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण आयोजन। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये बीजेपी वाले जीजा से हमसे जलते हैं, जहां मैं चोट कर रहा हूं वहां आपका ध्यान चाहता हूं। ये बीजेपी वाले जी जा से हमसे जलते हैं, राहुल बोले मम्मी हम नानी के घर चलते हैं, बुझ गई। ये भी तालियां बहुत कमजोर बजाते हैं आप, इस लायक है नहीं कि मैं आपको पूरी कविता सुनाऊं। बढ़िया बढ़िया, मैं दोबारा पढ़ता हूं। कि ये बीजेपी वाले जी जा से हमसे जलते हैं, राहुल बोले मम्मी हम नानी के घर चलते हैं, बुझ गई है अपनी सरदारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना बदला जाए, कर दी खटिया कड़ी हमारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी, और इस प्राण प्रतिष्ठा मंच पर बोलता हूं आपके लिए, कहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की मन हरि गुण गाएगा, प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की मन हरि गुण गाएगा, हाथ उठाकर जो मांगोगे वो सब मिल जाएगा, शुभ दिन की है महिमा न्यारी योजा। आज का दिन ऐसा है कि जो भी आप हाथ उठा के मांगेंगे, प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। मैं दोबारा पढ़ गया, फिर से पढ़ो, बहुत बढ़िया।
और आपके हाथ भी उठते हुए देखना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की, मन हरि गुण गाएगा, हाथ उठाकर जो भी मांगोगे यो मिल जाएगा, शुभ दिन की है महिमा न्यारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना। और राजस्थानियों का जो शौर्य है, जो राजस्थानियों का संकल्प है, जो मेहनत है, उसके नाम में बंद पड़ता हूं कि रेगिस्तान के होकर सारी धरती कर दी धानी, कि रेगिस्तान के होकर सारी धरती कर दी धानी, दुनिया भर से सबसे आगे निकले राजस्थानी, अपने लिए बजा दो तारी। हम लोग सारी दुनिया में जाते हैं संपत भाई, बहुत सारे देशों में, यहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां राजस्थानियों की गौरव गाथा न लिखी हो, जहां उनके फैलाए हुए व्यापार से हजारों लाखों लोगों के पेट न भरते हों। मैं उस राजस्थान की माटी को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेहनत से अपने इतिहास खुद लिखे हैं। क्या बात। और मैं आगे पढ़ता हूं कि लक्कड़ जी के घर बरसेगी लक्ष्मी जी की माया, जिसने इतना बड़ा काम किया वो चले गए, शायद ये शब्द उन तक पहुंच जाए। लक्कड़ जी देखो मैं ये देखना चाह रहा था कि कविता के भ्रम में आप कहीं नाम तो नहीं भूल गए। इन्होंने बताया कि नहीं, वो लुक्कड़ जी पता मुझे भी है, ऐसा थोड़ी है कि मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी, पता है। मैं देखना चाह रहा था कि ये बाबू दिनेश जी, नाम इनका तो दिनेश जी है, लेकिन लुक्कड़ जी के घर बरसेगी लक्ष्मी जी की माया, लक्ष्मी पाकर लक्ष्मी पति का है मंदिर बनवाया, विष्णु जी के बने पुजारी यो जमाना। लक्ष्मी पाकर लक्ष्मी पति का है मंदिर बनवाया, विष्णु जी के बने पुजारी यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना बदला जाए। 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुरी वो अमृता राय इस उम्र में जो पाई है उन्होंने। हाँ, वो राहुल गांधी एक दिन पीछे 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 बोले, अंकल मुझे आपकी राय चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा, वो तो मुश्किल में मैंने पटाई है, तेरे को कैसे दे दूं भाई, तेरी तो आंटी लगती समर्थन है, आप उल्लास में बैठो थोड़ा, मुझे भी ऊर्जा मिलनी चाहिए आपकी तरफ। हाँ खंडेलवाल जी, कि 45 के होकर राहुल तालियां और घनघोर मन से, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना। अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए, कई लोग इतने प्रसन्न हो गए जैसे उनका चरित्र चित्रण चालू हो गया। सच में शशिकांत बता रहे, जब तक घर नहीं जाता पत्नी खाना नहीं खाती, मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, ऐसी पत्नियां कहां मिलती हैं, बोले ऐसी बात नहीं है, जाता हूं बनाता हूं तब खाती। घर घर की कहानी यही है। एक लड़की की नौकरी, महिला की वो नौकरी लग गई कहीं हैदराबाद, वो वहां गई तो उसने SMS, बड़ा खतरनाक होता है, वो महिला हैदराबाद गई ज्वाइन किया और उसने सोचा भाई पति को मैसेज कर दूं SMS, तो उसने मैसेज किया, वो गलती से उसके पास पहुंच गया जो अपनी बीबी को फूंक फांक के शमशान घाट से घर लौट रहा, उसके मोबाइल पे गलती से पहुंच गया मैसेज, देखते ही वो बेहोश। मैसेज में था, मैं यहां सकुशल पहुंच गई हूं, रहने का इंतजाम बहुत बढ़िया है, एक दो दिन में आपको भी अपने पास बुला लूंगी। मैसेज कई बार गड़बड़ करते हैं। तब मुझे एक शेर याद आता है कि ये शादी नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी है, कि अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए, अगर मोनिका मिल जाए तो सब क्लिंटन बन जाए, लेकिन मिलती नहीं बेचारी यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी। अभी पाकिस्तान वहां सीमा पर हमारे दो सैनिकों के शीश काट के ले गया, आपको पता होगा,
शशिकांत बैठे हैं, पवार जी हमारे हैं यहां मंच पर आज, क्यों ले गया होगा वो शीश काट के। मैं एक बात आपसे कहता हूं, अच्छी लगे तो आप, मैं उस धारा पर आता हूं, शायद इसलिए काट के ले गए होंगे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सैनिकों के शीश, कि वो दिखाना चाहते होंगे कि हिंदुस्तानियों के सर में ऐसा क्या भरा है जो कटना पसंद करता है, झुकना पसंद नहीं करता है। उस शौर्य के नाम राजस्थान ने जो अपने शीश दिए हैं सीमाओं पर, मैं उसके नाम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, समर्थन करें आतंकवाद के खिलाफ पढ़ता हूं, तो एक भी व्यक्ति के हाथ नीचे ना हो, मैं आपका भरपूर समर्थन चाहता हूं, आपके हाथ उठे मैं पढ़ता हूं। यफ जलाओ कसाब जैसी सबकी कुंडी खटका दो, और ये करने की जरूरत, आपका हाथ अगर नीचे रह गए तो वो काम नहीं हो पाएगा। यफ जलाओ कसाब जैसी सबकी कुंडी खटका दो, जो आतंकी बंद पड़े हैं उन सबको लटका दो, भारत माता है। एक बार समर्थन करें आप राजस्थान। अफ जलाओ कसाब जैसी सबकी कुंडी खटका दो, जो आतंकी बंद पड़े हैं उन सबको लटका दो, भारत माता है। दुखियारी यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना। बहुत सारे देशों में मैं जाता हूं, जिस मन से आपने इस बड़े पंडाल में, इस छोटी सी गोष्ठी में, माहौल में आपने सुना है कवियों को और सुन रहे, मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। कि लंदन देखा पेरिस देखा और देखा अमरीका, लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमरीका, मगर आज निम्बोड़ा के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तारी ओ जमाना बजा hey! जा। अरे वो बेटी वाली पढ़ो, बेटी वाली। मित्र एक कविता विशेष जो इस पांडाल में पढ़ी जानी चाहिए, जब हमारे पहली पंक्ति में इतने आचार्य प्रवर यहाँ पर बैठे हैं और हमारी मातृशक्ति विराजमान है, डॉक्टर सुनील जोगी का एक रूप दूसरा भी है, एक आपने भी देखा जो राजनीति की विसंगतियों पर वो चोट करते हैं, लेकिन सामाजिक विसंगतियों को भी बहुत बारीक और पैनी नज़र से देखते हैं। अगर आप उनके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता सुनना चाहते हो तो एक बार जरा तालियां बजाकर उन्हें वातावरण दीजिए कि हम इस धार्मिक, इस सामाजिक मंच पर खड़े होकर उस कविता को भी जरूर सुनेंगे, जो कविता बहुत जरूरी है। सच में सुनना चाहते, थोड़ा अलग रस में थोड़ी सी बातें करता हूं, शायद आपको अच्छी लगे। चार पंक्तियां तो ये कहता हूं, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का मंच है इसलिए यहां से शुरू करता हूं कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है। शायरी पहुंचे, कविता पहुंचे, शब्द पहुंचे, तो तमाम धार्मिक लोग, हमारे संत प्रवर लोग बैठे, समर्थन चाहता हूं फिर आपका। उसे मालूम है कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है, कहां पर फूल खिलने हैं, कहां वीरान होना है। कमजोर रहेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है, कहां पर फूल खिलने हैं, कहां वीरान होना है, वो इंसान ही नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है, किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। तालियां कमजोर ना हो अच्छी कविता पर। वो इंसान ही नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है, किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, आपको अच्छी लगेंगी मेरा दावा, बिल्कुल। शायर बड़े अच्छे गीतकार हैं हमारे मित्र, चार पंक्तियां मैं धुन में पढ़ता हूं। स्वागत। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए, मोहल्ले की किसी, अब दावा करता हूं आपके हाथ खुले, कि मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए, दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। और चार पंक्तियां कहता हूं, पलायन बहुत होता है देश में गांव से शहर की ओर, कहता हूं कि जो शहरों में बसने की तैयारी करके आए हैं, अम्मा बाबूजी की तबीयत खारी करके आए हैं, सोच रहे होंगे कि हम होशियारी करके आए हैं, वे सब अपने खेतों से गद्दारी करके आए। इतने बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं,
घर में बरकत कब होती है, कब लोग बड़े बनते हैं, बड़े कवि, बड़े रचनाकार, बड़े उद्योगपति। मैं चार पंक्तियां कहता हूं, इन बुजुर्गों के चरणों में रखता हूं कि किसी गीता से ना कुरान ज्यादा होती है, किसी गीता से ना कुरान ज्यादा होती है, ना बादशाहों की दौलत ज्यादा होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। वाह, उन बुजुर्गों की दुआएं हमारे सर पर बनी रहे। और कहता हूं, इस मंच पर हूं, पावन मंच पर हूं, तब कहता हूं ध्यान से सुनिएगा कि इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। वाह 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 वाह। अगर हमारे माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं और हम मंदिर की पूजा करने आए हैं तो फिर हमसे मूर्ख कोई नहीं है। अपने घर की जीवित मूर्तियों की उपेक्षा करके आप संसार में किसी तीर्थ से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी महिलाएं यहां बैठी हैं, मेरे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया तो चार पंक्तियां मैंने देश की बेटियों के नाम कही। आपके घर आंगन से कविता उठाता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटी और बेटे में अंतर क्या है कि इस धरती पर, एक पंक्ति में अंतर बताता हूं, कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। हमने उन बेटियों को मारना शुरू कर दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में जब लाखों भ्रूण हत्याएं होने लग जाए, दामिनी के साथ, गुड़िया के साथ और अभी बदायूं में जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। पत्थर एक बार मंदिर जाता है देवता हो जाता है, हम एक बार मंदिर जाते हैं, हम बार बार रोज मंदिर जाते हैं लेकिन पत्थर के पत्थर बने रहते हैं। क्या संस्कृति विकसित हो रही है? फिश के बच्चे ने फिश से पूछा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते? फिश ने कहा बेटा जमीन पानी में इसलिए रहते हैं कि हम फिश हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। तब कहना पड़ता है कविता मेरा प्रोफेशन है, पैशन है और मिशन भी है। मैं एक बेटियों पर मैंने लंबी कविता लिखी है, उसका एक बंद केवल पढ़ता हूं, अच्छा लगे तो आप आशीष दीजिएगा। मैं कहता हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। कहीं आप कमजोर होंगे तो मेरे संकल्प भी कमजोर होंगे। हमसे लोग कहते हैं कि कविताएं क्यों करते हैं, बड़े उद्योगपति, बड़े राजनेता। तब मैं इस मंच की ओर से जवाब देता हूं कि अक्षर है क्या, शब्द है क्या? खंडेलवाल जी, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। सदियां बीते जब सुल्तानों के नामो निशान नहीं होंगे, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। अक्षर कभी खत्म नहीं होते, हजारों साल तक गीता रामायण महाभारत खत्म होने वाले नहीं है। तब कहता हूं ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई है, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हम उन बेटियों की रक्षा करें, मां बाप का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, तब कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पूर्ण होती है। मैं अंतिम चार पंक्तियां कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पर यह मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत डरे हुए हैं लेकिन चलिए, सबने अच्छा पढ़ा, सुमन जी ने भी अच्छा सुनाया। मैंने कहा इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। और मैंने कहा मुझे क्या, गूगल से डाउनलोड किया? थोड़ा सहज होके बैठिए, बनारस का आदमी कभी फंसता नहीं। बैठो बाबू, भाई साहब
भारत माता की जय आप ही कर रहे थे ना, मैं आया तो कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? कोई बात नहीं, सहज रहिए। मंत्री जी सुन रहे हैं, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, बहुत मन से बैठे हैं। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं, सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। तालियां कमजोर नहीं बजाई, बहुत अच्छे, मुझे आनंद, बहुत बढ़िया। जब मेरी पहली बार शादी हुई, अरे वाह, पहली बार होती है शरीफ आदमी की, हर आदमी दिग्विजय सिंह थोड़ी। पहली बार शादी हुई और मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली देखी, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? बड़ी चर्चा ट्रंप की हो रही है साहब, गुजरात में आए, अहमदाबाद में जगह जगह लिखा है, मैं दो दिन पहले था, केम छो ट्रंप, जगह जगह दीवारों पर लिखा है केम छो ट्रंप, कैसे हो ट्रंप? अगर बनारस आ रहे होते तो लिखा होता काबे ट्रंप हुआ। अरे बढ़िया बात है भाई, भाषा का मजा है, तो बनारस से तो भाषा तो है ही नहीं, बनारस का आदमी फंसता है ही नहीं, वो बनारस के एक इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया, कंजूस आदमी था, नहीं मच्छरदानी लाया ही नहीं, उसने उस छेद के सामने दूसरा छेद कर दिया और मंत्री जी बाजार से एक पाइप खरीद के लाया और इस छेद उस छेद में फिट किया, मच्छर इधर से घुसे और पाइप से होते हुए गाजीपुर की तरफ चले गए। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर निकलेगा नहीं। तो जो आदमी मत करो, मैं सारे सारे मजे, आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बनारस का आदमी तो लाजवाब है, मैं जानता हूँ। मेरी जब मैरिज एनिवर्सरी थी पिछले दिनों तिवारी जी, तो मैं मर्सिडीज लाने गया तो 2 रुपए कम पड़ गए, तो मैंने कंपनी से कहा भाई 2 रुपए कम है कल ले लेना, बोले नहीं पूरे पैसे देने पड़ेंगे, उधार नहीं चलता, बड़ी कंपनी है मर्सिडीज, पूरा पैसा दो नहीं तो डिलीवरी कल मिलेगी। मैं उदास होकर भाई साहब बाहर आया, मैंने कहा डिलीवरी नहीं हो रही 2 रुपए के चक्कर में, मुझे एक बनारसी भाई मिल गए मुझे सड़क पे, मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना मर्सिडीज लानी है, तो उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए भी लेते आना। अभी भी कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे, पीछे तो बाबूजी ऐसे बैठे जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनार के लिए समझ रहे हैं। ऐसे मत करो, आनंद में बैठो, आ जाओ बाबू, तुम्हारा ये 7वां चक्कर, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। उत्तर प्रदेश का तो अपना रंग है, जिसने नहीं देखा उत्तर प्रदेश वो क्या, जिसने उत्तर प्रदेश देखा समझो उसने हिंदुस्तान देख लिया। वाह, इतनी संस्कृतियां, इतनी इतने रंग, अकेला बनारस काफी है, जिसमें एक भी ऐसा रंग नहीं है जो बनारस के पास ना। वो तो शमशान घाट से आया एक कांग्रेसी घूम रहा था इधर, कौन सा शमशान घाट है वो? मणिकर्णिका, आपको याद है मणिकर्णिका से वो कांग्रेसी गुजर रहा था, उसने देखा तिवारी जी कि वहां लिखा हुआ है मृत्यु अटल है, तो उसने कहा अच्छा यहाँ भी भाजपा ही। तो उसे बहुत गुस्सा आया, बोले यहाँ भी भाजपा घुस गई, मृत्यु अटल है, तो उसने नीचे लिख दिया मृत्यु ना अटल है ना मृत्यु अडवाणी है, हमारी तो राहुल गांधी है। भाषा बदलती है। तालियां अभी भी कमजोर है, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। कमाल है, कमाल ही। अभी चिदंबरम जी जब बंद थे जेल में तो सोनिया जी उनसे मिलने गई, आपको पता होगा चिदंबरम जी से सोनिया जी तिहाड़ मिलने गई, तो बच्चों ने कहा, राहुल जी ने कहा कि मम्मी आपको क्या जाने की जरूरत थी, तो सोनिया जी ने कहा बेटा आज हम जब किसी से मिलने नहीं जाएंगे। दिल्ली में तो जो कांग्रेस की हालत हुई तो भाषाएं बदल गई। आजकल तिवारी जी पेट्रोल भरवाने जाओ तो पेट्रोल पंप वाला कहता है भाई साहब पहले मीटर पे कांग्रेस देख लो। हाँ, उसके बाद तो
आनंद में रहिए, मैं हंसाने का काम करता हूँ, क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान। बाबा बहुत खूब। जिस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाता, पूजा नहीं कर पाता, मैं कुछ लोगों को हंसा देता हूँ, मुझे लगता है कि ईश्वर तक मेरी पूजा पहुंच चुकी। वाह वाह। कोशिश करता हूँ, लगभग महीनों की लंबी यात्राओं के बाद हम लोगों के गले इस लायक बचते नहीं है कि हम कुछ सुना पाए, कोई वाद्यंत्र भी नहीं है, कोई माध्यम भी नहीं है। कल रात हम लोगों का कार्यक्रम छिंदवाड़ा था, कहीं छिंदवाड़ा के आगे परासिया, वहां से हम छिंदवाड़ा पहुंचे, छिंदवाड़ा से रात भर जग के सुबह 6 बजे नागपुर पहुंचे, नागपुर से कलकत्ता गए, कलकत्ता से गया गए, गया से बनारस पहुंचे। तो 24 घंटे का जागरण की थकान के बीच मैं आपके बीच हूं, कई रातों की जागरण के बाद। लेकिन मैं एक टिप्पणी करता हूं कि किसी डॉक्टर के पास कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा कैप्सूल नहीं है जो थके हुए कवि में ऊर्जा भर दे। ईश्वर ने वो नेमत केवल आपके हाथों में तालियों के रूप में सौंपी है कि आप थके हुए कवि। वाह वाह, जिंदाबाद। बात को लोग कहते हैं व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता कौन सुनता है। अगर बनारस जैसे महानगर बड़े शहर में गंगा के घाट पर इतनी ठंड में इतने लोग भी बैठकर कविता सुनते हैं रात को 12 बजे, तो हिंदी कविता के पास कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ दिया है। बाबा तुलसीदास ने, कबीर दास ने, जयशंकर प्रसाद ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कबीर ने, कुछ न कुछ तो दिया है। हमारी विरासत के पास क्या है? जब कोई कहे कि कविता ने हमें क्या दिया, तो मैं 10 पंक्तियों में पैरवी करता हूँ पर्यटन विभाग के इस कार्यक्रम में। स्वागत। कि कविता ने हमें क्या दिया, समाज को क्या दिया? वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। जिस रस में मैं पढूं उस रस में डूब जाइएगा, आपको आनंद आएगा। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। आहा वाह, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वाह 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 वाह, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। क्या कहने, वाह। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। और एक पंक्ति में कविता का सबसे बड़ा सम्मान दुनिया में अगर है तो हिंदुस्तान में है। मैं इशारा करता हूँ आपकी तालियों की मोहर लगे, कि मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। क्या कहना जोगी, कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। आज बनारस में राजघाट पर गंगा के तट पर कविता हो रही है, कहीं ना कहीं शिव की आराधना भी साथ में शामिल है। थोड़ी आवाज अगर साउंड के लोग हों तो ठीक कर दें और थोड़ी बढ़ा भी दें इसको। उत्तर प्रदेश में मैं तो राजनीतिक घटनाओं से भी हंसी निकालता हूँ, कैसे निकलती है मैं बताता हूँ। स्वागत। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। आप कुटे थे क्या? जिस त्वरित गति से आपने ताली बजाई, मैं समझ गया कि एक आइटम तो यही है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एंटी रोमियो क्यों बनाया, उनका जवाब सुनना। राजनीति से घटनाओं से हंसी कैसे निकलती है सुनना। ताल भी दे सकते हैं साथ में, अच्छा लगेगा। कुछ कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। वाह। 1 2 3 4 सौतक गिनती भी सुना सकता होगा। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। जो मैंने वाह 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 वाह, क्या बात। अगर समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूँ। नाम बदले शहरों के, मेरे एक मित्र हैं मिश्रा जी, कंफर्म टिकट लिया 6 महीने पहले ट्रेन का, फैजाबाद से इलाहाबाद, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज, मिश्रा जी विदाउट टिकट।
केजरीवाल जी की सरकार आई, सुना चार पंक्तियां, के धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए हुए हुए। सब लोग ताल भी दे सकते हैं, बिल्कुल तनाव छोड़ दो, तनाव के धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए, हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। वाह 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 वाह। यहाँ भी तो आए थे चुनाव लड़ने, एक ही बार में निपट गए। हर जगह हंसी दिखती है, आनंद लो, हिंदुस्तान कमाल का देश है। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। कमाल का मामला है। अभी तिवारी जी, दूध में निरमा की मिलावट पाई गई, तो लोगों ने निरमा वालों से शिकायत की, बोले दूध में निरमा मिल रहा है। तो निरमा ने कहा, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं दूध सी सफेदी निरमा से आए, चले नहीं समझ रहे तो। बहुत अच्छे। तो मोदी जी ने नोटबंदी की, मैंने उससे भी हंसी निकाली। मैं जल्दी जल्दी से कुछ रस दिखाता हूँ। कि मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो, मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो, अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। इस मामले में पूरे भारत के विचार एक है। मैं एक बारात में गया अभी, तो एक ढोल वाला बुला, दोनों तरफ महिलाओं की फोटो लगाई हुई थी ढोल में, दोनों तरफ। मैंने कहा, आप बड़े महिला प्रेमी हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, इतना आदर करते हैं, ढोल पे महिलाओं के फोटो। बोले भाई साहब, कोई आदर वादर नहीं करता, एक तरफ मेरी पत्नी की फोटो लगी है, एक तरफ सास की चिपका रखी है, घर में मौका नहीं मिलता इसलिए बाहर कूदता। जब मोदी जी की सरकार बनी तो मैंने एक शुद्ध हास्य का गीत लिखा, आपको शुद्ध हास्य का एक गीत पहले सुनाता हूँ और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सब सुनना चाहते हैं, बोर तो नहीं हो रहे? बहुत अच्छा, इतनी ताली तो मैं अकेले ही बजा सकता था, क्या जरूरत थी। इतने लोग पर्यटन वाले अंधेरे में बैठे हैं, अगर ये सामने बैठे होते तो पर्यटन को अंधेरे में बैठने की क्या जरूरत है। उन्होंने पूरा पर्दा घेर रखा है, इस कोने से उस कोने तक। ये सब इंतजार में है कि कब कभी जाएं और हम अपना समय टेक। सुनना, बिल्कुल शुद्ध हास्य है, सहज हास्य। कि कांग्रेस का तो हो गया बंटा धार रसिया, सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोरदार। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा, और ये लाइन आप गा भी सकते हैं, तुम लोग भी। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि कैमरे वाले ताली नहीं बजाएंगे। कांग्रेस के लोगों, जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा च्युइंगम खाओ, बैठ के देखो पोगो। स्कीम मैं बता रहा हूँ, ताली आपको बजानी, कुछ नहीं करना। कांग्रेस के लोगों, जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा च्युइंगम खाओ, बैठ के देखो पोगो। कलमाणी ऐ राजा, बज गया सबका बाजा, चिदंबरम से कहें सोनिया लुंगी डांस दिखा जा। चिदंबरम से जितना समर्थन बढ़ाओगे उतना आनंद में बढ़ाऊंगा। मेरा गला थोड़ा खराब है, थकान भी है, लेकिन मैं कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगा। कि सिंधिया दिग्गी राजा, बज गया सबका बाजा, चिदंबरम से कहे सोनिया लुंगी डांस दिखा जा, युवराज को ले डूबा चौकीदार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। सोच रहे हैं अन्ना, सूख के हो गए गन्ना, सोच रहे हैं अन्ना, सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना, मुझको धरने।
आनंद लो, आप सौभाग्यशाली लोगों में हैं कि बनारस में इतने बजे कितने ऐसे लोग सौभाग्य होगा जिनके होठों पर हंसी आ रही हो, कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए कन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना, खाली फिरे कन्हैया करते दैया दैया, चंद्रा बाबू आंध्रा में करते हैं दैया दैया, घायल नागिन जैसी ममता की फुफकार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया, तेजस्वी कुशवाहा दोनों हो गए स्वाहा। लोकसभा चुनाव के परिणाम देखना कि तेजस्वी कुशवाहा दोनों हो गए स्वाहा, हार गया गठबंधन माया करती क्रंदन, खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सर रसिया, अमरीका था खीजा नहीं दिया था वीजा, अमरीका था खीजा नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जिया कर खा जाओ पीजा, अब कहता है जीजा जिया कर खा जाओ पीजा, ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, नोट की बंदी करके भी ये 300 सीटें लाया, नोट की बंदी, अब कोई हाथ रोक सके तो मैं देखना चाहता हूँ कि नोट की बंदी करके भी ये 300 सीटें लाया, अब की नसबंदी करने को है तैयार की नसबंदी करने को है तैयार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोर 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 गा भी सकते। कांग्रेस का तो हो गया बंटाधार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब हैं चंगू मंगू मोदी हैं छह फुटिया, वो तो सब विजुअल पोएट्री कि वो तो सब हैं चंगू मंगू मोदी हैं छह फुटिया, रोए पाक बेचारा आ गया शेर दोबारा, पुलवामा के चक्कर में था घर में घुस कर मारा, इमरान को चढ़ आया है बुखार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोर सम। अंतिम मंद पढ़ता हूं कि अमित शाह की माया ऐसा लठ घुमाया, अमित शाह की माया ऐसा लठ घुमाया, सीना ठोक के 370 का कर दिया सफाया, सीना ठोक के जो लोग खुश हो 370 रखने से और राम मंदिर बनने से, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर सरकार का माननीय मोदी जी का और उनका अभिनंदन करें इस बनारस की भूमि में, जितने निर्णय हुए हैं देश के हक में। जोगी जी कोई नारा पूरा लगने दो, नारा फिर लगाओ दोबारा से एक बार आप। ये जरूरी है। वाह, देखिए साहब ये गंगा के पानी का असर था, आपने जितवा के भेजा बड़ी संख्या में, तो कहीं ना कहीं सरकार बनी और तब ये 370 धारा हटी और राम मंदिर का निर्माण होने की तरफ है। और भी बड़े निर्णय आने वाले हैं, मैं गीत के अंतिम मंद की ओर चलूं। स्वागत स्वागत। अमित शाह की माया, तालियां ताल से, अमित शाह की माया ऐसा लठ घुमाया, सीना ठोक के 370 का कर दिया सफाया, हो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाबी, जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, एक छोटा भाई आगे भी तो चाहिए, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, वरना लालू जी से ले लो एक उदार रसिया, फिर से मोदी ने बना ली सरकार रसिया। Oh,
एक बार और यही वाली वंस मोर। कितने लोग और सुनना चाहते हैं मुझे बताएं। बहुत बहुत बहुत। मैं तो आप मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पर्यटन विभाग में कीर्तिवर्धन जी ऐसा करो कि ऐसे कार्यक्रम करो सारे गंगा के घाटों पर करिए, सब जगह, कानपुर करिए, बिठूर करिए, सब जगह गंगा माँ का आशीर्वाद लेते चलिए और सारे गंगा के घाटों पर एक शाम ऐसी हो और उसमें टाइम थोड़ा सा शाम को 6 बजे 7 बजे से 9 बजे 10 बजे तक खत्म हो जाए और उसमें आप भी कविता जरूर सुनाना। क्योंकि आप हमारे लिए भले ना कराओ अपने लिए तो कराओगे। ये ठीक है, सहज रहिए। मैंने एक गीत पढ़ना चाहता हूं और माननीय नीलकंठ जी बिल्कुल ताजा कविता एक सुनाना चाहता हूं क्योंकि आपके विभाग से संबंधित विषय पर है और एक गीत में पढ़ता हूं। यूपी के संस्कृति और पर्यटन पर मैं एक गीत सुनाता हूं। अरे वाह, क्या बात है, वाह बहुत। एक लाइन आप गाएंगे और गीत सुनिए। उत्तर प्रदेश को मैंने गीत में कैसे बांधा है ये मैंने कोशिश की। स्वागत है, पढ़िएगा। सुनानी गला बहुत खराब है, हिंदी में पढ़े बगैर मानू क्या। श्री राम का पुण्य धाम संगम तट की शोभा ललाम, हम श्री राम का, हम श्री राम का पुण्य धाम संगम तट की शोभा लला, हम घाट बनारस वाले हैं या मंदिर और शिवाले हैं, रज है मथुरा वृंदावन की जा खेले कृष्ण कन्हैया है, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले। बहुत अच्छे, वाह। यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, ये आजादी की है दौलत मंगल पांडे बेगम हजरत है, युगों युगों के सेनानी आला उदल झांसी रानी, अशफाकुल्ला है बिस्मिल है आजाद शरीखों का दिल है, दुर्गा भाभी के जयकारे जलकाई भाभी के नारे, इतिहास यही लाता है हम सबसे बड़े लड़ैया हैं, हम यूपी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, चोरी चोरा का लिए जोश मेरठ वाले हम सरफरो बलिया वाले, हम बागी हैं, हम कानपुरी बैरागी। वाह 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 वाह, हर शहर जोड़ा है कि चोरी चोरा का लिए जोश मेरठ वाले हम सरफरोश बलिया वाले, हम बागी हैं, हम कानपुरी बैरागी, हम लखनऊ के बाके अधीर, हम हैं पिटूर के सूरबीर, चिनगारी मैनपुरी की हम काशी आजमगढ़ का दमखम, आजादी वाली नैया के हम सबसे बड़े खिवैया हैं, हम यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले भैया। अगर गर्व हो तो सबके स्वर मेरे साथ हो, बहुत अच्छे। कि हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम मानवता के लश्कर हैं, हम सारनाथ के पत्थर हैं, विंध्याचल देवी का आंचल सूफी संतों का है संगम, संगम तट पर हम शुद्ध हुए, हम कुशीनगर में बुद्ध हुए। वाह वाह वाह, संगम तट पर हम शुद्ध हुए, हम कुशीनगर में बुद्ध हुए, गंगा यमुना का पानी है हम ही कबीर की बानी है, गंगा यमुना। और दो पंक्तियों पर आपका हाथ उठाने का दिल करे तो उठाना, कि हम ही कबीर की बाणी है, जो प्रभु को भी भव पार करे हम उसके वट की नैया है, हम यूपी भैया है, हम यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले।
हम सुबह बनारस की आभा और शाम में अवध वाली शोभा, सुर लहरी शिव जी को भाई हम बिस्मिल्ला की शहनाई। वाह 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 वाह। सुर लहरी शिव जी को भाई हम बिस्मिल्ला की शहनाई, बिरहा आला हम फाग हुए, हम संगीतों के राग हुए, हम कला अदब का धन भी हैं, कव्वाली और भजन भी हैं, बेगम अख्तर का गायन हम, राजन साजन का गायन हम, बिरजू की ताता थैया हैं, हम यूपी वाले भैया, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया, हम लाल बहादुर से जीवट, हम लोहिया के जैसे कर्मठ, हम युवा तुर्क चंद्रशेखर हैं, हम चरण सिंह हैं, खेतियर हैं, जगमोहन सिन्हा भी हम हैं, हम राज नारायण का दम हैं, आपातकाल के संहारक, हम शांति अमन के रक्षक हैं, जितने भी विरोधी यूपी के वो सब के सब तन खैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, तुलसी और सूर के अक्षर हम, बुनकर कबीर की चादर हम, तुलसी और सूर के अक्षर हम, बुनकर कबीर के चादर हम, अलीगढ़ के हम ही ताले हैं, हम ताज आगरा वाले हैं, फुलवारी खेती बाड़ी हैं, मशहूर बनारसी साड़ी, वाह वाह वाह, फुलवाड़ी खेती बाड़ी है, मशहूर बनारसी साड़ी है, मेरठ की कैंची रखते हैं, मथुरा के पेड़े चखते हैं, मेरठ की कैंची रखते हैं, मथुरा के पेड़े चखते हैं, जो आसमान में उड़े वही गुब्बारे हैं, कनकैया है, हम यूपी वाह, हम यूपी वाले भैया हैं, हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट की शोभा लला, हम घाट बनारस वाले हैं, जहां मंदिर और शिवाले हैं, रज है मथुरा वृंदावन की, जहां खेले कृष्ण कन्हैया हैं, हम यूपी वाले भैया, भाई क्या कह रहे भाई, वाह एक बार सब लोग, हम यूपी वाले, हम यूपी वाले भैया, हम यूपी वाले भैया, बहुत बहुत वाह कमाल भाई, प्रभु को भव सागर पार करे हम, उसके वट की नैया है, हम यूपी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत बधाई भी देता हूं इस मैराथन मुशायरे और कवि सम्मेलन के लिए, जो विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प लिया नदीम साहब ने, संजय भाटी जी ने, और सिकंदर हयात गड़बड़ भाई बैठे हैं, हिंदी उर्दू के बड़े नाम स्टेज पर हैं, दादरी में निश्चित एक बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है। मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, बात पहुंच जाए मेरी तो फिर आपकी तालियां, आपका शोर, आपकी मोहब्बतें भी यहां तक आनी चाहिए। मैं हंसाने का काम करता हूँ, मुस्कुराहटें बांटता हूँ दुनिया में, और कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पर यह मुस्कान बनाए रखना, और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। उत्तर प्रदेश में अभी सरकार ने बनते ही ऐलान किया कि एंटी रोमियो स्क्वाड लागू किया जाए, मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वालों को पकड़ा जाए, उनको बंद किया जाए। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से पूछा कि ये ऐलान आपने क्यों किया, ये कानून क्यों बनाया, उनका जवाब सुनना, मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो मैं सियासत से हंसी कैसे निकलती है ये आप तक पहुंचाता हूं। योगी जी ने जो जवाब दिया मुझे एंटी रोमियो पर, उस पर मैं कुछ बोलता हूं कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, ये उनका जवाब है। आप सब चाहें तो मुझे ताल के साथ भी सुन सकते हैं जी, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, हाँ मेरे साथ है,
कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। अरे वाह 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 वाह, जो मैंने ना किया तुम्हें करने, बाल के साथ सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। और ये समर्थन आप 10 गुना कर दें तो मैं आपके आनंद को 100 गुना करने का वादा करता हूं। दिल्ली की सरकार आई, दिल्ली की सरकार जब केजरीवाल जी की आई तो मैंने फिर 4 पंक्तियां कही जी। सुनना आप राजनीति से सियासत से हंसी कैसे निकलती है। के धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए। वाह, कुछ लोग समझ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, बाकी तक भी मेरी बात पहुंचेगी। कमाल का देश है हिंदुस्तान, बहुत अद्भुत देश है। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती है। अद्भुत देश है, दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। वाह, देश में रहना है आधार बनवा लो, नहीं रहना है उधार ले लो। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो विजय माल्या नीरव मोदी पैक करा के ले गए। बात आप तक पहुंचे तो बताना। के धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए। वाह, 1 2 3 4 धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री। वाह, वो खास, वाह 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 वाह, क्या कहना सुनील भाई, वाह 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 वाह, अरे वाह डॉक्टर साहब वाह। और सुनना 4 पंक्तियां हेलो भाई, कि किस किस के दिल में लोग यहाँ कब से बसे हैं, आलोक नाथ नाना के सब पेच कसे हैं। ये देख करके खुश हुए इमरान हाशमी, सारे बुजुर्ग लोग ही मीटू में फंसे हैं, सारे बुजुर्ग लोग ही मीटू। अच्छा लग रहा है तो मुझे बताएं, आपके हाथ उठें, मुझे बताएं कि आप तक बात पहुंच रही है। एक और ताजा घटना पर सुनाता हूं, मैं बहुत ताजा ताजा कहता हूं कि एक दिन उन्हें दुनिया बड़ी रंगीन मिलेगी, हारमोनियम बजाएंगे तो फिर बीन मिलेगी। वाह, हारमोनियम बजाएंगे तो फिर बीन मिलेगी। जो लोग बुढ़ापे में, जो लोग जवानी में भजन गाया करेंगे, उनको ही बुढ़ापे में जैसलीन मिलेगी। वाह, हा हा हा, उनको ही बुढ़ापे में। जो लोग अभी भी उदास बैठे हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्करा दो बदनसीबी भाग जाएगी। वाह 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 वाह, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्करा दो बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी। आहा आहा वाह, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। इस देश में कहां तनाव हो जाए, कहां झगड़ा हो जाए कुछ पता नहीं साहब। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे, मैंने एक से पूछा कि भाई पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। तब मैंने कहा कि नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत। ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। आनंद वाह, 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 वाह। मैं हंसाने का काम करता हूं क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। वाह 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 वाह, क्या कहना डॉक्टर साहब, वाह वाह। 19 का चुनाव आने वाला है, एक संकेत मेरा समझे अवाम, कि ऐसा ना हो कि रंग में ये भंग जमा दे। आपकी खामोशी में मुझे मजा नहीं आएगा।
कि ऐसा न हो कि रंग में ये भंग जमा दे, इस बार इलेक्शन में न चूना ही लगा दे। लगता है नोटबंदी जीएसटी को देख कर ये जेटली मोदी को केटली न थमा दे। नोटबंदी की, नोटबंदी से भी हास्य सुनना साहब, ये मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। अरे असल में देखिए, मैंने जिस भरोसे पर बड़े भाई से गुजारिश की थी और जैसे उन्होंने मेरी बात की लाज रखी, माफ कीजिए आपने उस तरह से सुना नहीं। एक बार जरा मुझे बताओ कि डॉक्टर सुनील जोगी को सुनने के लिए माहौल कैसा होना चाहिए? ये माहौल चाहिए। अरे वाह 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 सर, मुझे कुछ और हुक्म हुए हैं यहां। बड़े शायर बड़े कवि सब मंच पे हैं, मैं रंग बदलना चाहता हूँ। तमाम बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं कहता हूँ किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। वाह 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 वाह। इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। कहीं संवेदनाएं इतनी महिलाएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, मैं चार पंक्तियां इनके लिए कहता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। वाह 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 वाह। बेटी और बेटे में अंतर क्या है जी? कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। वाह 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 वाह। हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया साहब, कहां तक पहुंच गई हमारी संस्कृति। तब मैंने बेटियों के नाम कुछ पंक्तियां लिखी, वो आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। वो चीजें पढ़ता हूं जो कहीं विश्व के स्तर पर कोडेबल हो, कि हम बेटियों के लिए भारत क्या सोचता है जी। कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। क्या कहना क्या कहना, वाह वाह वाह। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई है, अयस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। वाह 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 वाह। मूर्ख जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, बाप की पगड़ी है माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। वाह 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 वाह। मैं कुछ कते पढ़ता हूँ, कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ, आप तक पहुंच जाए बात तो मुझे बताना जी। रख साहब, कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। हमारे हवा आनी चाहिए आपकी वहां से, मैं थोड़ा सा अपना रंग बदलता हूँ। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए, दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो। वाह वाह वाह। अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। वाह वाह वाह। और पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, आपको आपके पिता की यादों तक ले चलता हूं, चार पंक्तियां आप तक पहुंचे। इस्तकबाल इस्तकबाल। समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। क्या कहना क्या कहना डॉक्टर साहब, वाह। और आगे की दो पंक्तियां अगर अच्छी और सच्ची लगे तो सबकी हाथ उठाकर दुआएं भी चाहता हूं।
कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। क्या कहना, मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू। वाह 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 वाह, जहाजों से भी उड़कर, वाह वाह वाह, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। वाह वाह, हिंदुस्तान कहाँ है? कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। वाह, ये हम संस्कृति का देश है, यहां से हिंदू, मां से मुस्लिम, तब कहीं देश एक होता है। कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। वाह, भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। चीथड़े जागे दादरी एक बार मेरे साथ, कि भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। एक और बुराई हमारे घरों में आने लगी है, मैं इशारा करता हूं कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में दाल लेती है। क्या कहना, मुसीबत कैसी भी हो खुद को ऐसा ढाल लेती है। बिठाता है गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल ले। अमीरी प्यार वा, 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 है तो कुत्ते। ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है? सब धर्म अपना अपना पता बताते हैं, एक पता इस फकीर का भी सुनना शायद आपको ठीक लगे। इरशाद, कि जिसे ख्वाबों में पाना हो। नरीम भाई, इतनी मेहनत की आपने इस मुशायरे कवि सम्मेलन को विश्व लेवल पे पहुंचाने के लिए, मैं पूरे पांडाल से चाहता हूं कि इस बार इतना बड़ा काम जो हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं हुआ नहीं, उसके लिए इन सब लोगों के लिए एक बार तालियां बजाएं पूरा पांडाल एक बार। निश्चित तौर पर हम इस एक ऐतिहासिक क्षण में हैं। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। वाह, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता क्या है। कहना, क्या कहना, वाह। मेरा चेहरा, कुछ लोगों के हाथ बंधे हैं, थोड़ा सा दिल को तकलीफ होती है, शायरी की महफिल में आप बैठे हैं। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से। वाह 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 वाह, खोजे से। वाह 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 वाह, क्या कहना डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, वो खोजे से नहीं। वाह 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 वाह, कुछ लोग दोबारा सुनना चाहते हैं जी। कि जिसे, कितने लोग सुनना चाहते हैं मुझे बताएं हाथ उठा के। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। वाह, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वाह वाह वाह, खोजे से नहीं। कविता मिशन भी बन सकती है, प्रोफेशन के साथ साथ कविता मिशन कैसे बनती है, शायरी मिशन कैसे।